This ओंकार पाठक conference will now be recorded. आदरणीय वैद्य अनंत धर्माधिकारी अमृत महोत्सव कृति समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सबसे पहले आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हमारे आयुर्वेद की देवता भगवान धन्वंतरी की याद करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम धन्वंतरी का स्तवन प्ले करेंगे यहाँ पे। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारु दोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीं तं निखिलगतवन् प्रौढदावाभिलीनम् धन्वंतरी जी का आशीर्वाद लेते हुए यहाँ का माहौल बहुत ही प्रसन्न हो गया है। तो आज के हमारे जो व्याख्याता है उनका और आज धर्म और आदरणीय धर्माधिकारी सर का परिचय सबको है ही, बट कार्यक्रम के प्रोटोकॉल के तहत मैं सर का परिचय आपको फिर एक बार करवा देता हूँ। वैद्य अनंत भगवंत धर्माधिकारी सर MD PhD है। सर एक्स डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेद महाराष्ट्र पे कार्यरत थे। सर निवृत्त प्राध्यापक तथा विभाग प्रमुख शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय महाराष्ट्र महाराष्ट्र में विविध आयुर्वेद कॉलेजों में सर ने काय चिकित्सा विभाग में कार्य किया है। पूरे भारत वर्ष में 2007 से 148 संहिता निरूपण सर के संपन्न हो चुके हैं। अनेकविध राष्ट्रीय पुरस्कारों से सर को सम्मानित किया गया है। संस्कृत भारती महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम विभाग प्रमुख तथा विभिन्न संस्थानों में सर संलग्न है। संपूर्ण भारत वर्ष में सर के अनेक विद्यार्थी है, वे अध्यापन और चिकित्सक के रूप में कार्यरत है। सर की चरक उहन करके एक किताब है, वे विद्यार्थियों को बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन कर रही है। ऐसे हमारे आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर। और आज का जो ये कार्यक्रम है उसका इंट्रोडक्शन मैं देके आज के व्याख्याता का परिचय आपको करवा दूंगा। ये जो कार्यक्रम की श्रृंखला है ये ऋषितुल्य आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर के अमृत महोत्सव समारोह में हर महीने सर के एक एक विद्यार्थीगण अपना रुग्ण अनुभव इस श्रृंखला में बताते हैं, जो कि शास्त्राधारित सिद्धांतों पर निर्भर होता है। शास्त्राधारित सिद्धांतों का चिकित्सा में कैसे प्रयोग करें इस पर ये रुग्ण अनुभव निर्भर होता है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं उसके सिद्धांत चिकित्सा में कैसे प्रयोग करें और यश कैसे संपादन करें इस पर एक एक विद्यार्थीगण भाष्य करते हैं। ये एक रुग्णानुभव की श्रृंखला है। इसमें धर्माधिकारी सर ने सिखाए ग्रंथोक्त चिकित्सा पद्धति से जो रुग्ण स्वस्थ हुए हैं उनके बारे में केस डिस्कशन यहाँ पे होगा। तो इसमें आज का पुष्प जो गूंथने वाले है वे आज के हमारे वैद्य है, वैद्य ऐश्वर्य सुपेकर जी। तो सर का मैं परिचय आपसे करवा देता हूँ। वैद्य ऐश्वर्य सुपेकर सर आयुर्वेद विशारद है। सर का MD हो चुका है संहिता सिद्धांत में वागोली आयुर्वेद कॉलेज पुणे से। सर फेलोशिप इन ऑर्थो रिहैबिलिटेशन एंड न्यूरो रिहैबिलिटेशन में सर ने किया है। 10 साल से पुणे में कोथरूड में सर का आयुर्वेद चिकित्सालय है। वैद्य आनंद धर्माधिकारी सर के चरक उहन पुस्तक में सर ने काम में मदद की थी। विविध जर्नल्स में 10-12 संशोधन पत्रक सर के प्रसिद्ध हो चुके हैं। भाजपा वैद्यकीय आघाड़ी पुणे के सर उप प्रमुख है। भाजपा वैद्यकीय आघाड़ी के पश्चिम महाराष्ट्र विभाग के सर उप प्रमुख है। पुणे में कोथरूड में आंगनवाड़ी में आरोग्य शिविरों का आयोजन तथा विविध सार्वजनिक कार्यक्रमों में चिकित्सक तथा सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सर ने सहभाग लिया है। दीपस्तंभ धर्मादाय ट्रस्ट में ग्रामीण जनता के लिए सर ने विभिन्न काम किए हैं। ऐसे आज के हमारे जो व्याख्याता है वैद्य ऐश्वर्य सुपेकर जी, उनको मैं
मैं विनती करता हूं कि वे अपने रुग्णानुभव यहाँ पे प्रकट करें। वैद्य ऐश्वर्य जी। धन्यवाद वैद्य ओमकार जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज ये तो व्यवस्थित। ओके, सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिस थी। नमस्कार, मैं वैद्य ऐश्वर्य सुपेकर पुणे का रहने वाला हूँ, और इसमें कुछ मेरे इंट्रोडक्शन जो है तो उसमें मैं ज़्यादा समय नहीं गवाऊंगा। मेरा एक शॉर्ट में मैं आपको पहले मुझसे भी अच्छा कैसे हमारे जो आदरणीय धर्माधिकारी सर है तो उनके इन्फ्लुएंस में आके या उनसे जब मेरा परिचय हुआ तो मैं ज़रूर सबसे शेयर करना चाहूँगा कि कैसे मुझ में परिवर्तन हुआ। तो अगर आप इसमें देखोगे तो मैंने जो पुणे में YCM करके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे मैंने काम किया है, RH कोड में मैंने काम किया, तो नेचुरली यहाँ पे जो काम था वो पूरा पूरा एलोपैथी बेस का मेरा काम था। तो इसमें भी आप देखोगे CMO था, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ICU में भी काम किया। ऐसा सब होने के बावजूद कई बार जब ये बैकग्राउंड जिन जिन लोगों को मालूम है तो वो बोलते हैं कि चलो ये तो जनरल प्रैक्टिशनर रहेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा एलोपैथी का कुछ प्रैक्टिस करते रहेंगे। पर मैं गर्व से एक बात सबको बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 10 साल से पुणे में प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और ये जो कुछ कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आदरणीय धर्माधिकारी सर जी के आशीर्वादों से मैं कर रहा हूँ। जब मेरा डिग्री का कोर्स ख़त्म हुआ और MD को मैंने एडमिशन लिया तो भगवान की कृपा से मैं बोलूँगा कि मुझे भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट वाघोली की जो इतनी अच्छी संस्था है वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ, और वहाँ पे मेरा परिचय आदरणीय डॉक्टर धर्माधिकारी सर से हुआ। और सर काफ़ी लेक्चर्स देते थे संहिता पठन के बारे में, खास करके चरक संहिता सर हमको कैसे संहिता पढ़नी है तो उसके बारे में सिखाते थे। फर्स्ट ईयर में रहते टाइम नेचुरली किसी का इतना उस पर फोकस नहीं रहता है कि चलो कोई अच्छे टीचर आ रहे कुछ सिखा के जा रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता था। पर धीरे धीरे जैसे आयुर्वेद के बारे में पढ़ना शुरू किया, ग्रंथों को जैसे सर ने बोला वैसे समझने का प्रयास करना शुरू किया, तभी पता चला नहीं ये कुछ तो मैजिक है, ये जो ग्रंथ है इसमें कुछ तो मैजिक है, ऐसा मुझे दिखाई देना या मुझे समझना शुरू हुआ। तो फिर जैसे जैसे सर के साथ, सर की जो किताब बहुत प्रचलित किताब है सर की चरक उहन, तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसमें कुछ सर के साथ मुझे कुछ काम करने का मौका मिला। तो ये पुस्तक के बारे में काम करते समय काफ़ी जो कंसेप्ट्स मेरी थी पहले से तो वो काफ़ी सर ने क्लियरली कंसेप्ट्स उन्होंने बताई है। तो ये काम करते टाइम मुझे पता चला कि नहीं, हम अगर हमारे कंसेप्ट्स पे ध्यान देंगे तो हम ऑटोमेटिकली हमारे प्रैक्टिस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और मैं पहले से ही ऐसे किस्म का विद्यार्थी था जो पेशेंट ओरिएंटेड काम करना चाहता था। मैं कभी भी मेरा मैं आपको ये मंच पे मैं ओपनली बोलता हूँ कि मेरा लेक्चर देना या लेक्चरर के तौर पे या किसी बड़े मॉब के सामने लेक्चर देने की मेरी आदत नहीं है या मेरा वैसा प्रयास कभी ज़्यादा नहीं रहा। मैं प्योरली क्लिनिशियन ओरिएंटेड चिकित्सक हूँ। पर सर से जब जैसे ये आयुर्वेद के कंसेप्ट एक एक सीखते गया तो पता चला कि अगर हम ये कंसेप्ट पे ध्यान देंगे तो ही हम आगे जाके किसी भी प्रकार के पेशेंट को हम ट्रीट कर पाएंगे। तो जब मैं MD का मैंने शुरुआत किया तो सबको मालूम है MD में हम रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं जिसको हम थीसिस बोलते हैं, तो थीसिस के पहले हम सिनॉप्सिस लिखते हैं। तो मेरे जो गाइड थे उस टाइम पे, तो मैंने मेरे गाइड से बातचीत करके कुछ टॉपिक्स डिसाइड किए, 4-5 टॉपिक्स हमने निकाले थे, एक्चुअली 10-15 टॉपिक्स निकाले थे, तो गाइड ने सब सॉर्ट आउट करके फाइनल 4-5 टॉपिक्स लिए। और फिर मैडम मुझे बोली कि आप एक बार धर्माधिकारी सर से बात कीजिए।
बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने सर को जाके टॉपिक्स देखे, मुझे आज भी वो दिन याद है, शायद सर को याद रहेगा नहीं रहेगा मालूम नहीं, पर मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने सर को टॉपिक्स दिखाए, सर ने वो टॉपिक्स पढ़े, मेरी तरफ एक 10 सेकंड एक एक जैसे मेरी तरफ खाली देखा सर ने, और उसके बाद सर ने मुझे खाली एक सवाल पूछा कि आप प्रैक्टिस करने वाले हैं? मैं बोला हाँ सर, मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ। और सर को तो इतने टाइम तक तो सर को मालूम था कि मेरा आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो किस लेवल का था, तो सर ने मुझे बोला है पांचों टॉपिक्स आप नहीं लेने। तो मैं एकदम चौंक गया कि अभी ये पांचों टॉपिक नहीं लेने तो फिर क्या लेना है? सर बोले कि मैं आपको एक टॉपिक दूंगा और आपको वो टॉपिक लेना है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, आप जैसे ऋषितुल्य गुरुजी है जो बोल रहे कि ये टॉपिक ले तो आप मेरे लिए अच्छा ही बोलोगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो सर ने मुझे बोला कि आपको अंशांश कल्पना पे आपको काम करना है, आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट रहेगा वो अंशांश कल्पना पे रहेगा। मैंने बोला ठीक है, कर लेंगे। फिर जब मैंने सर के यहाँ से बाहर आया और फिर मैं सोचने लगा, रहे सर ने अंशांश कल्पना बोला, मुझे तो पहले बोलने को भी नहीं आता था ये अंशांश कल्पना है, क्या है ये? तो जैसे मैंने बोला कि मेरा आयुर्वेद का ज्ञान कुछ इतना नहीं था, तो मैंने बाय डिफॉल्ट मेरे गाइड मैडम जो थी उनको मैंने जाके बोला कि मैडम सर ने बोला अंशांश कल्पना पे आपको काम करना है। तो उन्होंने भी थोड़ा देर सोचा, तो वो भी बोली कि आपका काम बहुत डिफिकल्ट है, सर ने आपको बहुत डिफिकल्ट टॉपिक दिया है और आपको बहुत दिक्कत आएगी आगे जाके। तो मैं बोला कि क्यों मैडम, ऐसा क्यों होगा? तो आप उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम कीजिए, हम नॉर्मली रिसर्च प्रोजेक्ट में प्रीवियस रिसर्च इज डन ऐसा जो टॉपिक रहता है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप खाली एक बार चेक कीजिए कि इसमें प्रीवियस रिसर्चेस कितने हुए हैं। तो मेरे जो बाकी के सब दोस्त थे तो उनको आराम से 15-20 थीसिस थे जिनका रेफरेंस वो लेके काम कर सकते थे। पर जब मैंने फर्स्ट इंस्टेंस में देखा तो मेरे टॉपिक पे एक भी रिसर्च प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिला। मैं काफी हैरान हो गया कि अरे ये क्या बात है, ये तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने फिर से सर से बात की कि सर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, आपको मालूम है कि मैं कुछ इतना अच्छा, मैं तो हर बार ये बात कर, मैं सर का सबसे सामान्य विद्यार्थी जो रहेंगे उनके गणना में मेरा कहीं तो स्थान रहेगा, बाकी सर के बहुत अच्छे अच्छे बहुत ही अच्छे किस्म के सर के विद्यार्थी है, पर मैं तो सबसे सामान्य इसमें हूँ, ऐसे मैं आज भी बोलता हूँ। तो सर ने मुझे बोला कि नहीं, आपको यही इसमें काम करना है और आप यही करोगे तो आपको आपका आगे का पूरा लाइफ का आपका काम अच्छा हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, अभी सर इतना बोल रहे तो हम करेंगे। तो फिर सर से बात करके, मैडम से बात करके, कुछ कुछ जोड़ के, सब इधर उधर का ये करके, फिर मुझे समझ में आया कि अरे नहीं सर, ये जो बोल रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज है और ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि अंशांश कल्पना एग्जैक्टली है क्या। तो और मैंने जब ऐसे मैं सोच रहा था तो मैंने एक ऐसे दिमाग में एक चीज आई कि अगर मुझे ये कंसेप्ट अच्छे से मैंने पढ़ लिया या अगर मैंने ये कंसेप्ट मैं मेरे प्रैक्टिस में उतार पाऊंगा तो कोई भी पेशेंट आने दो, किसी भी किस्म का पेशेंट आने दो, उक्त व्याधि हो या अनुक्त व्याधि हो, कोई भी पेशेंट आने दो, हम अगर ये कंसेप्ट इस्तेमाल कर पाएंगे तो हम रुग्ण को आराम से अच्छा कर पाएंगे, हम उसको अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। तो आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं पहले शॉर्ट में अंशांश कल्पना एग्जैक्टली होती क्या है इसके बारे में थोड़ा मैं आप सबको परिचय दूंगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे सभी ऋषिगण हैं, सभी गुरुगण हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट्स पहले से ही मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मालूम रहेंगी, पर आगे का टॉपिक अच्छे से समझ में आने के लिए ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताता हूँ। तो ये तो धर्माधिकारी सर जी के सभी विद्यार्थियों को ये श्लोक तो बहुत अच्छे से मालूम रहेगा कि दोषा एव ही सर्वेशम रोगाणाम एक कारणम। हमारे आपके सबके परिचय में डॉक्टर अभिजीत सराफ सर, वैद्य अभिजीत सराफ सर जो है वो सबके परिचय में रहेंगे। तो ये श्लोक के बारे में खासियत ऐसे कि ये जो श्लोक है ये मैंने कभी भी जिंदगी में किताब में पढ़ा ही नहीं, क्योंकि जब हमें अभिजीत सराफ सर जब हमें पढ़ाते थे तो ये श्लोक ही इतने बार बोलते थे, इतने बार बोलते थे, और उनका होने के बाद जब मैं धर्माधिकारी सर जी के लेक्चर में तो वो भी यही श्लोक बोलते थे, तो ऑटोमेटिकली वो दिमाग में इतना फिट हो गया कि ये अपने आप से ये श्लोक जो है वो आराम से याद हो गया। तो
खाली ये श्लोक याद करने के लिए नहीं है, पर ये इस्तेमाल करने के लिए कि दोषः एव हि सर्वेषां रोगाणां एककारणम्, यानी जो दोष है, त्रिदोष है, यही और केवल यही ऐसी चीज है, या ये जो दोष है यही रोगोत्पत्ति के एकमेव कारण है। तो उसके आगे अगर हम अभी इस पे अगर हम चर्चा करेंगे तो नेचुरल चीज है कि दोष तो सामान्य आदमी में भी रहते हैं, पर सामान्य आदमी को तो कोई बीमारी नहीं रहती। तो नेचुरली इसका तात्पर्य ऐसा है कि जो विशिएटेड यानी जो दोष है, जिनको वृद्धि हुई है, क्षय हुआ है या वैषम्य हुआ है, ये तीनों तरीके के जो दोष है वो रुग्ण में व्याधि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मैं और ज्यादा डिटेल में ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, टॉपिक काफी बड़ा है। तो हम इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें तो अभी तक तो ये पता चला कि दोष जो है वो ही सबका मूल कारण है, पर अगर हम देखेंगे कि अगर हमको ये दोष वैषम्य जो होता है जिससे व्याधि उत्पत्ति होती है, तो ये दोष किस चीज से ये दोष दूषित होते हैं ये हमें पता चलना जरूरी है। जैसे मैंने बोला सभी लोगों में तो दोष रहता है, पर फिर ये किस वजह से दोष दूषित होते हैं, तो ये जो दोष दूषित होते हैं ये हेतु सेवन से होते हैं। ठीक है, तो इसके रेफरेंसेस हमको मालूम है, यहाँ पे भी मैंने कुछ रेफरेंसेस इसमें से दिए हैं। तो जब कोई इंसान हेतु सेवन करता है यानी दोष उत्पत्ति कारक भावों का सेवन करता है, तब उसको जो है ये व्याधि निर्माण होते हैं। ठीक है, धर्माधिकारी सर जी से ये चीज सबसे ज्यादा सीखने की है कि कोई भी पेशेंट को अगर आपको उनको अच्छा करना है तो पहले आपको उनके हेतु जो है वो ढूंढने हैं, और ये हेतु पे अगर आप ट्रीटमेंट दोगे, अगर ये हेतु आप बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो ट्रीटमेंट का आधा काम आपका उधर ही हो गया है, बाकी का आधा जो है वो आप ट्रीटमेंट देके, दवाई देके या उसका शोधन करके या शमन चिकित्सा जैसे पेशेंट की स्टेट है वहां वैसे आप कर सकते हैं। तो पहले तो ये हेतु सेवन जो है, तो इसके लिए हमें हेतु फाइंड करना जरूरी है। ठीक है, तो जब हम ये हेतु फाइंड करते हैं या ढूंढते हैं, तो उसके आगे जाके ये हेतु किस दोष को बढ़ाते हैं और किस गुण के आधार से बढ़ाते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि मानो एक ऐसा हेतु है कि जो वात दोष को बढ़ाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम खाने से वात दोष किसी का बढ़ गया, तो आइसक्रीम से वात दोष बढ़ा या आइसक्रीम के शीत गुण से वात दोष बढ़ा, या आइसक्रीम जो गुरु है और जिसके गुरु गुण के वजह से उसमें स्रोतोरोध होके परतंत्र वात प्रकोप हुआ, ये हमें फाइंड करना सबसे जरूरी है। और ये हम तभी फाइंड कर सकते हैं, तभी हम ढूंढ सकते हैं जब हमें दोष मालूम रहेंगे, हेतु मालूम रहेंगे, लक्षण मालूम रहेंगे, और ये सभी के हम गुणों का एनालिसिस कर पाएंगे। अभी जब हमारे सामने पेशेंट आता है तो वो हमें क्या बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ हो रही है, तो पेशेंट ही हमको ये बताता है कि उसके लक्षण क्या है। ठीक है, तो वो लक्षण किस दोष के हो सकते हैं इसका हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। सही बात है, उसके आगे जाके जब हम उसको पूछते हैं कि आपने कई बार, मैंने मेरे प्रैक्टिस में ऐसा देखा है कि खास करके अग्नि वैषम्य के जो पेशेंट रहते हैं, क्योंकि आगे का आज का जो टॉपिक है वो मैं धीरे धीरे अग्नि के रिलेटेड ही मैं पेशेंट्स पे फोकस करने वाला हूँ, तो अग्नि के रिलेटेड जो अग्नि वैषम्य के जो पेशेंट है, मैंने मेरे प्रैक्टिस, मैंने मुझे बाकी लोगों का अनुभव नहीं मालूम, पर मैंने मेरे प्रैक्टिस में से देखा है कि इंस्टेंट आज सुबह को उसने कुछ तो गलत खाया है, कल रात को कुछ तो गलत खाया है, आज दोपहर को कुछ तो गलत खाया, और आज शाम को पेशेंट मेरे पास आया और मुझे ये तकलीफ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट बोलता है कि मुझे आज शाम को सर बहुत एसिडिटी हो रही है, तो मैंने उनको पूछा कि भाई साहब आपको एसिडिटी हो रही है यानी आपको क्या हो रहा है, तो बोले सर पेट में सीने में जलन हो रही है वगैरह वगैरह, जो कुछ आम्ल पित्त की लक्षण रहती है, तो वो हिसाब से उन्होंने सिम्टम्स बोलते हैं। तो मैं इमिजिएटली, मेरा आगे का क्वेश्चन ये रहता है कि आपने आज दोपहर को क्या खाना खाया, आपने आज सुबह में क्या नाश्ता किया, आपने आज चाय पिया या नहीं पिया, आपने कल रात में आपने क्या खाना खाया। तो ये मैं क्यों पूछता हूँ, क्योंकि जब हम सी हम जब सोचते हैं
तो खाली एक वैद्य की तरफ से हमें नहीं, क्योंकि वो एंगल से हमें नहीं सोचना, हमें पेशेंट के एंगल से सोचना है। एक सिंपल चीज मैंने मेरे अब तक के प्रैक्टिस में मैंने एक्सपीरियंस की है, पेशेंट डॉक्टर के पास कब जाता है, जब ही उसकी तकलीफ बहुत एग्रीवेटेड रहती है ना, तभी नॉर्मली जाता है। 80% पेशेंट जो है जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ अभी वो टाइम पे हो रही है, वही टाइम पे वो जाते हैं। ठीक है, जब भी मानो एक हम अगर दो पेशेंट कंपेयर करें, एक एसिडिटी का जिसको अभी तुरंत बहुत ज्यादा उसको जलन हो रही है, ऐसा एक पेशेंट रहेगा, और दूसरा पेशेंट अगर जिसको 2-3 साल से एसिडिटी का तकलीफ पर कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, और अभी एट प्रेजेंट उसको एक्टिव को ही तकलीफ नहीं है, तो नेचुरली जो केस वन है ऐसे पेशेंट मैंने मेरे प्रैक्टिस में ज्यादा आए हुए देखे। तो जैसे मैंने बोला, मैं तुरंत उनको पूछता हूँ कि आपने क्या खाया, तो कोई बोलता है हमने फॉर एग्जाम्पल मटन खाया था, या हमने मेथी का सब्जी खाया था, या हमने दही खाया था, या हमने पोहा खाया। आवाज गिरा है क्या? सर वो आवाज नहीं आता। ऐश्वर्या जी ऑफलाइन हुए हैं? हाँ अभी के इसमें, ये केस में अगर हम देखेंगे तो नेचुरली इसके गुरु गुण से ये इसको एसिडिटी की जो तकलीफ है ये हो रही है, पर अभी अगर हम देखेंगे तो पित्त के गुणों में गुरु गुण तो कहीं पे ज्यादा दिखाई नहीं देता है, जी, तो फिर हमें हेलो। इमिडिएटली। हेलो, हाँ, बीच में 2-30 सेकंड के लिए आपका वॉइस गया था, तो अब फिर से ये केस शुरू करेंगे। श्योर, डेफिनेटली करते हैं। तो मैं फिर से बोलता हूँ इसके बारे में, तो एक एसिडिटी का एक पेशेंट का एक केस है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो बोलता है कि मुझे अभी पेट में सीने में जलन हो रही है, ऐसा पेशेंट जब हमारे पास या मेरे पास जब आता है, तो मैं उसको पूछता हूँ कि आपने कल क्या खाया था, सुबह को क्या खाया था, दोपहर को क्या खाया था, और उसमें अगर उसने बोला कि मैंने मेदू वड़ा खाया था, उससे मुझे उसके बाद मुझे तकलीफ एग्रीवेट हुई, इसके बाद मुझे तकलीफ बढ़ गई है, तो हम नेचुरली हमें पता चलता है मेदू वड़ा वड़ा जो है, तो ये एक तो अम्ल रस का है, ये गुरु गुण का है, तेल में फ्राई होता है, उड़द उड़द दाल रहती है उसमें, तो नेचुरली गुरु गुण का है। तो हम जब ये हेतु और लक्षण जो है वो तो एसिडिटी की तरह से, यानी कि जलन वगैरह होते, तो ये तो सब पित्त दोष के लक्षण है, तो हम पित्त के गुण और ये गुण अगर हम कंपेयर करने को जाएंगे तो पित्त के गुणों में तो हमें कभी ज्यादा गुरु गुण हमें दिखाई नहीं देता है, तो फिर हम इसका कैसे ये करेंगे कि ये परतंत्र संप्राप्ति है। ठीक है, तो परतंत्र संप्राप्ति है यानी क्या है कि गुरु गुण बड़ा है, तो गुरु गुण को जो बड़ा है तो उसको अगर हमें कॉम्पनसेट करना है तो हमें उसको लघु गुण उसके आहार में या उसके ओवरऑल ट्रीटमेंट में हमें लघु गुण पे फोकस करना है। तो नेचुरली मैं उसको आगे हम क्या बोलेंगे कि आते जो एक हफ्ता है उसमें आप कम से कम हल्का खाना जो है तो उस पे आप ध्यान दीजिए, कम से कम भारी खाना जो है उस पे आपको ये करना है, तो ऐसे बोलेंगे तो किसी को पता नहीं चलता है। तो सिंपल इसमें हम क्या बोलते हैं, आप थोड़ा सा चावल खाइए, मूंग दाल खाइए, तो जिससे लघु आहार वो लेते हैं, फिर हम उनको बोलते हैं कि वो अभी जो गुरु गुण के वजह से जो दोष प्रकोप हुआ है तो ये स्रोतो रोज जो है तो वो कम करने के लिए हम उनको सिंपल चीज जैसे कोष्ण जलपान हम बोलते हैं, कोष्ण जलपान से स्रोतो रोज दूर होता है, पाचन में मदद होती है। तो ये सब का तात्पर्य क्या है कि हमें लक्षण देखना है, हमें हेतु देखने हैं, हमें ये दोनों के इससे हमें कौन से गुण से दोष प्रकोप हुआ है ये फाइंड करना है, और
एक बार हमें ये गुण पता चले तो हम जो चिकित्सा देंगे वो गुण विपरीत हम चिकित्सा देंगे, ठीक है। तो गुण विपरीत जब हम चिकित्सा देते हैं तो नेचुरली दोष जो है वो कम हो जाता है, ऐसे मैंने मेरे अनुभव में मैंने मैंने प्रैक्टिस में देखा, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसका जब हम ग्रंथ में हम देखते हैं तो चरक निदान स्थान में इसका काफी रेफरेंस में बताया है कि कभी कभी ये लघु गुण से एकाध दोष बढ़ता है। मानो अभी ये चीज में वात प्रकोप के बारे में बोला है, तो वात प्रकोप जो है वो कभी शीत गुण से होता है, कभी लघु गुण से होता है, कभी रुक्ष गुण से होता है। तो ऐसे अलग अलग गुणों की वजह से ये वात प्रकोप हो सकता है। तो इसमें आगे जाके भी हमें ये समझना जरूरी है कि कभी भी प्रैक्टिकली जो मैंने आज तक पेशेंट देखे उनमें मैंने कभी एक गुण का डोमिनेंस बहुत कम पेशेंट में देखा है। नॉर्मली दो गुण तो दिखते हैं कि दो गुण जो पेशेंट में बढ़े, तो ऐसे हिसाब के पेशेंट जो है वो हमें ज्यादा करके मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखने को मिले हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बोला कि विपरीत गुणों की जब हम चिकित्सा करते हैं तो विपरीत गुणों की जब हम उनको द्रव्यभूत या अद्रव्यभूत चिकित्सा जब हम उनको देते हैं तो नेचुरली उनको उसमें रिलीफ मिलता है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो ये हेमाद्रि का एक रेफरेंस है जो जहाँ में हमें हेतु जो है, तो हेतु में हमें अंश अंश कल्पना कैसी देखनी है तो उसके बारे में यहाँ पे बोला है। तो वैसे ही लक्षण में कुष्ठ चरक निदान स्थान पांचवा जो कुष्ठ अध्याय है, तो वहां पे भी हमें लक्षणों के बारे में हम कैसे अंश अंश कल्पना हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से रंग का, कौन से तरीके का, कौन से शेप का, ऐसा हमें उधर जो कुष्ठ व्याधि का जो लक्षण दिख रहा है तो वो हिसाब से हम दोषों का जो डोमिनेंस है उसमें वो कैसा है वो फाइंड कर सकते हैं। और ये जो है ये चिकित्सा में हम संप्राप्ति भंग जो करते हैं तो उसके रिगार्डिंग बताया है, ठीक है। तो अभी मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अभी रुग्णानुभव पे शिफ्ट होता हूँ। ये एक स्लाइड है जिसमें जो हम चिकित्सा के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट 20 गुण है यानी कि 20 गुण जो है तो उसके बारे में यहाँ पे मैंने एक चार्ट में मेंशन किया है। तो ये गुण जो है ये सबसे प्रैक्टिस में जरूरी है। इसमें से भी मेरा अब तक का अनुभव ऐसा है कि जो पहले 5 जो ये है यानी जो पहले 10 गुण जो है वो प्रैक्टिस में मेरे प्रैक्टिस में मुझे वो सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है। तो अब हम पहले ये जो केस है 21 साल की एक महिला है जिनका प्रकृति पित्त दोष डोमिनेंट उनका प्रकृति था। तो जैसे मैंने अभी बोला कि जब पेशेंट हमारे पास पहले आता है तो वो हमें उनके लक्षण बताता है, तो उनको क्या क्या तकलीफ होती थी, तो उनके सीने में जलन होती थी, उनको एसिडिटी की तरह उनको जो नॉर्मल बोली भाषा में लोग एसिडिटी बोलते हैं तो वैसे उनको सिम्टम दिखाई पड़ता था, या नहीं उनको उनके सिर में दर्द होता था, उनको गैसेस होते थे, फिर उनको हल्का हल्का चक्कर आता था, और कॉन्स्टिपेशन यानी पेट अच्छे से साफ न होने की उनकी शिकायत थी, और गले में कफ संचिति उनके गले में कफ संचिति है ऐसे उनको लगता था, और काफी सालों से तकलीफ है। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो पहले ही पेशेंट का प्रकृति पित्त प्रकृति है और उनका जो लक्षण है तो वो भी काफी सारे पित्त प्रकृति के रिगार्डिंग ही सॉरी पित्त दोष के रिगार्डिंग ही दिख रहे हैं। खाली अगर हम देखेंगे तो गैसेस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये थोड़ा सा अलग हमें लक्षण दिखता है, ठीक है। तो फिर मैंने जब उनको मैंने हेतु पूछे तो नेचुरली 21 साल की लड़की है, पुणे सिटी में रहने वाली लड़की है, तो मैंने उनको पूछा आप क्या कर रहे हो, तो वो कॉलेज जाने वाली एक लड़की थी, महिला थी, तो उनको मैंने पूछा आपका खाने का शेड्यूल कैसे रहता है, तो उन्होंने बोला कि वो सुबह को घर से कुछ खा के जाती है, फिर दोपहर को वो जो लंच है वो कैंटीन में मेस में उनका जो लंच होता था वहाँ पे वो होता था, फिर शाम को रोज 5 बजे के आसपास शाम को वो कुछ तो कैंटीन में स्नैक्स खाते थे। तो स्नैक्स में मैंने जब उनको पूछा आप क्या खाते थे तो उन्होंने बोला मैं वड़ा पाव खाती हूँ या कभी मैं उत्तप्पा खाती हूँ, तो ऐसे जो पदार्थ है तो उन्होंने ऐसे पदार्थों का जिक्र किया था। तो फिर मैंने सोचा कि
ऐसे केस में हमें पहले थोड़ा सा पाचन या पाचन करना जरूरी है। तो ऐसे केस में मैंने खास करके जो चिकित्सा में कुछ दवाइयाँ जो दी थी, तो इसमें खास करके अभिपत्ति का चूर्ण जो है, तो ये एक चूर्ण था उसमें। दूसरा जो कुछ टैबलेट्स थे, तो उसमें कंटेंट्स में खास करके पिपली पिपली मूल, सूंठ, फिर सैंधव, विविध प्रकार के सैंधव थे, और ऐसे कॉम्बिनेशन की चित्रक, तो ऐसे कॉम्बिनेशन की टैबलेट थी। तो जब मैंने शुरुआत में ये दी, तो मुझे ऐसे लगा कि अरे नहीं, कुछ तो गलत तो नहीं ना हो रहा मेरी तरफ से, क्योंकि एक तो पेशेंट को जलन हो रही है और उस पर आप उसको उष्ण दवाइयाँ दे रहे हैं, कि जैसे आप चित्रक दे रहे हैं, आप उसको ये लवण दे रहे हैं, आप उसको सूंड दे रहे हैं, आप उसको पीपली पीपली मूल दे रहे हैं, तो ये तो सब उष्ण द्रव्य है। पर मैंने एक बार बहुत एक मैं बोलता हूँ सभी के लिए एक बहुत अच्छी एक टिप जो धर्माधिकारी सर ने मुझे दी थी, वो मैं सबको आज शेयर करना चाहूँगा कि ये जो केस है, ये मेरे प्रैक्टिस के काफ़ी पहले पहले केसेस में से एक पेशेंट थी, महिला थी। तो प्रैक्टिस जब मैंने शुरू की और मैंने सर सर का सर से बीच बीच में बात होती थी, तो तब सर ने मुझे एक चीज़ बताई थी, कि मैंने सर को पूछा कि सर कई बार ऐसे होता है कि एक पेशेंट आता है और उसको क्या ट्रीटमेंट देने की वो झट से समझ में नहीं आता है, थोड़ा ऐसा होता है कि अभी इसको क्या दे क्या नहीं दे, क्या दे क्या नहीं दे, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, तो ऐसे केस में हम क्या करें। तो सर ने एक सिंपल चीज़ मुझे बताई, देखो आप काम करते हैं, पुणे सिटी में काम करते हैं, तो आपको बेसिक, आप अगर पेशेंट का हेतु पे आप ध्यान दोगे, तो आपको पता चलता है कि संतर्पणोत्थ व्याधि है, अपतर्पणोत्थ व्याधि है, ओके। तो सर ने मुझे एक सिंपल चीज़ बोली कि जहाँ पे संतर्पणोत्थ व्याधि है, वहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ रहा है, आप स्ट्रेट अवे पाचन दे दो। पहले एक हफ्ते के लिए तो आप डेफिनेटली पाचन दे सकते हैं पेशेंट को, कोई दिक्कत नहीं, आप आँख बंद करके आप उनको पाचन आपको आप दे सकते हैं, दीपन दीपनीय द्रव्य, पाचन पाचनीय द्रव्य, पाचन करने वाले द्रव्य, ऐसे जो है वो आप उनके उनको दे सकते हैं। तो इससे पेशेंट को नुकसान तो कुछ नहीं होगा, हुआ तो फायदा ही होगा। तो मैंने बोला कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात सर ने बोली है। तो मैं प्रैक्टिस के शुरुआती दिनों में मैं ऐसे ही करता था कि कोई भी पेशेंट आने दो, मुझे तो आज तक मेरे प्रैक्टिस में मैंने जो देखा है कि हार्डली मेरे हिसाब से 15-20% और ऐसे पेशेंट रहेंगे जो अपतर्पणोत्थ व्याधि के थे, बाकी 80% पेशेंट जो मैं जो जो भी मैंने अब तक देखे वो सभी संतर्पणोत्थ व्याधि के ही थे। तो नेचुरली ये सर का जो फॉर्मूला है मैंने वहाँ पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कोई भी पेशेंट आने दो, कुछ समझ में आए न आए, पहले तो उसको पाचन देना ही देना है। सो वहाँ पे आधा काम तो वहाँ पर ही हो जाता था। तो वैसे ही मैंने ये पेशेंट में उनको मैंने पाचन औषधि दी, और पाचन औषधि देने के बाद कुछ दिन के बाद जब वो पेशेंट मेरे पास फिर से आई, तो उनकी काफ़ी सारी जो लक्षण है उनके वो काफ़ी हद तक कम हुए थे, पर थोड़े थोड़े एक तो उनके गले में इरिटेशन होना शुरू हुआ था, सिर दर्द थोड़ा कम हुआ था, पर भूख पहले से काफ़ी बड़ी थी, उल्टा वो बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है अभी, गैसेस फिर भी थोड़े थे और पेट अच्छे से साफ नहीं होता था। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी तो हमें कुछ अलग इसमें सोचने की ज़रूरत है। तो ये फिर उसमें मैंने क्या किया, तो उनको जो हम एकदम स्ट्रांग पाचन करने वाले जो द्रव्य देते थे वो मैंने कम कर दिया उनको, और उनको पाचन दिया मैंने, नहीं ऐसे नहीं, पर हल्के तौर पे, जैसे खाली नागर मुथा या आप बोल सकते द्रव, अगर सूत शेखर जैसी जो दवाई है, तो ऐसे कुछ मैंने उनको दी थी। और दूसरा मैंने एक ध्यान में आया मेरे कि अरे पेशेंट को तो गैसेस अभी भी हो रहे, पेशेंट का पेट अभी तक अच्छे से साफ, पहले से तो ठीक हो रहा पर अभी तक अच्छे से साफ नहीं हुआ। तो मैंने ऐसे रैंडमली वो टाइम पे सोचा कि अभी अगर किसी का पेट साफ करना है तो हमें उनको क्या देना पड़ेगा, पर बहुत ज़्यादा लूज मोशंस तो नहीं होने, पर पेट साफ अच्छे से होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में वो टाइम पे आया कि मेरे क्लिनिक में भी अवेलेबल था कि गंधर्व हरीतक की चूर्ण मेरे पास अवेलेबल था, तो मैं बोला चलो ठीक है, हम इनको गंधर्व हरीतक ही देंगे। जब ये पेशेंट को मैंने लगभग 15 दिन के लिए ये दवाई दी, हाँ, और उसके साथ में मैंने थोड़ा सा उनको
पित्त शामक ऐसे भी कुछ द्रव्य हमें देने चाहिए, ऐसे मुझे वो पेशेंट ने लगा था, तो मैंने उनमें मौक्तिक कामरुधा भी दिया था। तो ये ट्रीटमेंट देने के बाद मुझे ऐसा, एक 15 दिन के बाद जब वो फिर से मेरे पास आई, तो उनकी ये सभी जो लक्षण हैं ये कम हो गए थे। इनके जो गले में जो इरिटेशन होता था, तो ये इरिटेशन कम हुआ था। उनका जो पेट साफ होना जो होना था, तो वो भी अच्छे से होना शुरू हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो फिर मुझे जब मैंने ये हेतु और इसके बारे में मैंने फिर से जब सोचा, तो जब भी मैंने, जैसे मैंने पहले बोला आपको कि ये पेशेंट में जो हेतु है वो सब गुरु गुण के रिलेटेड हेतु थे। तो गुरु गुण के वजह से उनका जो अग्नि है वो अग्नि मंद हुआ था, तो हमने अग्नि बढ़ाने के लिए हमने अग्निवर्धक चिकित्सा उसमें दी। और जब अग्नि अच्छे से दीप्त हुआ, तो उसके बाद थोड़ी शमन चिकित्सा दी, और साइमल्टेनियसली हमने उनको लघु विरेचन, यानी हल्का विरेचन या मृदु विरेचन, लघु नहीं सॉरी मृदु विरेचन, ऐसे तरीके से हमने उनको कुछ दवाई दी, जिससे उनको हल्का हल्का उनको पेट साफ हुआ। तो ये जब मैंने किया, पेशेंट को अच्छा लगा, चलो ठीक है। तो अभी इसके बारे में मैं जब पहले जब ये केसेस बोलूंगा, उसके बारे में मैं उनके ग्रंथ के कुछ रेफरेंसेस के बारे में भी मैं सबको बोलूंगा, ठीक है? पहले केसेस समझ के लेते हैं। हाँ, ये एक मिस्टर त्रिवेदी करके एक पेशेंट है। इनकी फिलहाल रिसेंटली इनके ट्रीटमेंट हमने की है, और उनके भी केस में हमने देखा कि उनका भी हेतु अगर हम देखेंगे तो बाहर का खाना जंक फूड उनके केस में भी काफी था। और उनके केस में गैसेस और बर्पिंग यानी डकार बहुत आना, और उनके पीठ में, राइट साइड पे पीठ में उनको दर्द होता था। तो मैंने सोचा कि इन्हीं, जैसे मैंने पहले भी बोला कि इनिशियल फेज में हम उसमें क्या करेंगे, तो उनको एक, तो हाँ एक जरूरी चीज थी कि उनको जलन बहुत होती थी। तो अब तक जो कुछ मैंने पिछले कुछ सालों में प्रैक्टिस किया, तो उसमें मुझे एक चीज पता चली कि पेशेंट को अगर बहुत ज्यादा जलन हो रही है और आप उसमें उसको उतने ही स्ट्रांग अगर आप उनको उष्ण तरीके की आप दवाई दोगे, तो उसका वो पेशेंट को रिलीफ तो मिलता है पर तकलीफ भी होता है थोड़ा, कि उसको जलन जो है वो कम, सिम्टोमेटिक जो हम बोलते हैं दोष डेफिनेटली कम होते हैं, और लॉन्ग टर्म में भी उनको उसका काफी अच्छे से रिलीफ मिलता है, पर शॉर्ट टर्म में उनको, पेशेंट को जो जलन रहता है तो वो थोड़ा हल्का हल्का महसूस होता है। तो फिर मैंने उसमें क्या किया कि जहाँ पे मैं पहले पिपली पिपली मूल ऐसे द्रव्य मैंने इस्तेमाल किया, तो ये पेशेंट में मैंने क्या किया कि खाली सूत शेखर, लघु सूत शेखर ऐसी दवाइयां मैंने इस्तेमाल की। अभी ये इतने दिनों से मुझे एक तो चीज पता चली थी कि हाँ इसमें हमें कुछ तो विरेचक, यानी कुछ विरेचक ऐसे द्रव्य भी हमें देने हैं। तो इसी पे इस पेशेंट में भी मैंने गंधर्वारी तक की चूर्ण जैसे मेडिसिन दिए थे, और सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए उसको उधर पीठ को दर्द करा, जो चला ये क्रीम लगा उधर लगा के देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये ट्रीटमेंट लेने के बाद कुछ दिनों में, मेरे हिसाब से 15 दिन के बाद जब ये पेशेंट मेरे पास वापस आया, तो उनका एसिडिटी यानी जलन जो होता था वो काफी हद तक उनका कम हुआ था, पर जो गैसेस डकार आना ये जो सब तकलीफें थी तो वो तो कुछ कम नहीं हुई थी, वो वैसे के वैसे ही उनकी चालू थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी जलन तो कम हुई है, कुछ नहीं तो कुछ तो सही, जलन तो कम कर सके हम उनका। तो अभी पर गैसेस और डकार तो कम नहीं हो रहे, तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर अब मैंने उनको आम पाचक जो आती है, आम पाचक वटी जो आती है, तो खाली आम पाचक वटी मैंने उनको दी, और कुछ दिनों के बाद आम पाचक वटी, और हाँ दूसरा मैंने उसमें उनको नॉर्मली मैं मेरी प्रैक्टिस में मैं अभिपत्रिका चूर्ण है वो खाली रात को सोते टाइम देता हूँ, पर ये पेशेंट में मैंने क्या किया, मात्रा कम करके सुबह शाम उनको अभिपत्रिका चूर्ण लेने का बोला। मैंने चलो एक बार प्रयोग करके देखेंगे क्या होता है। पेशेंट वैसे बहुत कोऑपरेटिव था, तो वैसे वो कुछ उनका ऑब्जेक्शन तो कुछ था नहीं। कई बार सिटी एरिया में ऐसे होता है, पेशेंट चूर्ण लेने को नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि आप एक चूर्ण मत दो, आप 4 टैबलेट दो, हम आराम से टैबलेट खा लेंगे। तो ये पेशेंट थोड़ा सा अच्छा था, तो उन्होंने उनको मैंने ये जो है अभी पत्तीकर चूर्ण दिया, और लगभग ऐसे 15 दिन के बाद जब ये पेशेंट आया, तो उनका गैसेस, सॉरी एसिडिटी तो कम हुआ ही था,
पर उनका गैसेस बर्पिंग ये सिग्निफिकेंटली कम हुआ था। ब्लोटिंग जो था वो थोड़ा था उनको, पर उनका जो बैक का जो पेन था वो पहले भी कम हुआ था, वो अभी भी कम हुआ था। और लकीली मैंने उनको बोला नहीं था, पर लकीली उनका एक किसी उनके रिलेटिव्स में कोई डॉक्टर थे, तो उन्होंने उनको बोला था कि आप एक बार LFT लीवर फंक्शन टेस्ट कराओ। तो उन्होंने लीवर फंक्शन टेस्ट भी करा, और लीवर फंक्शन टेस्ट में अगर हम देखेंगे तो उनका जो डायरेक्ट बिलीरुबिन है वो हल्का सा बड़ा था, ठीक है, और SGPT जो है तो वो भी हल्का सा बड़ा था। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी उनके ओवरऑल रिपोर्ट में, और सोनोग्राफी भी उनका उन्होंने कराया था, तो सोनोग्राफी में भी फैटी लीवर था। तो मैंने देखा कि अरे ये तो थोड़ा लीवर का भी इनको इशू है, तो थोड़ा हम उनको लीवर के रिलेटेड भी हम उनको दवाई देंगे, तो जिससे उनका वो इशू सॉल्व होने में मदद हो जाएगी। तो इसलिए मैंने जो कुछ मेरे अल्प बुद्धि को जो वो टाइम पे ये हुआ ज्ञात हुआ, तो मैंने वो हिसाब से मैंने बोला कि नहीं, इनको हम भूमि अम्ल की चूर्ण जो है तो वो हम उनको देना जरूरी है। तो भूमि अम्ल के भी दिया, और पित्त शमन के लिए ज्येष्ठमध यानी यष्टि जो चूर्ण है वो भी दिया। सारीवा चूर्ण जो है वो हल्का अनुलोमन करता है, नागर मुखा जो पाचन करता है, हरितकी जो अच्छे से मल का निस्तरण करता है, और एक कॉम्बिनेशन मैंने उसमें अलग किया कि ये तो हम सब दे रहे पर हमें गैसेस भी कम करने हैं। तो वो टाइम पे मेरे दिमाग में आया चलो हम उसमें अपना हिंगाष्टक चूर्ण डाल के देखते हैं। तो पहले तो मेरे दिमाग में आया, पहले से ही हिंगाष्टक में 8 अलग अलग चूर्ण है, उसमें हम और ये चूर्ण डालेंगे, ये तो सब हम उनको भेल करके दे रहे। तो ऐसे मुझे लगा, पर जैसे मैंने बोला कि वो टाइम पे जैसे सोचा, तो वो हिसाब से मैंने उनको ये ट्रीटमेंट दी। बाकी सब उनकी टैबलेट जो है मैंने काफी हद तक उनके बंद करके खाली ये चूर्ण कॉम्बिनेशन पे मैंने फोकस किया। और इसके बाद लगभग 1 महीने के बाद जब मैंने देखा तो इनके सभी सिम्टम्स जो है जो लक्षण है वो तो गए थे। और सेकेंडली जब हमने उनके 3 महीने के बाद जब हमने उनके रिपोर्ट्स कराए, तो ये रिपोर्ट्स में उनका लिवर फंक्शन भी नॉर्मल आया था, फैटी लीवर हल्का था उनका। रिपोर्ट में ऐसा आया था कि पहले से उनका रिलीफ यानी कि पहले से थोड़ा कम है पर अभी भी फैटी लीवर है, और LFT पूरा नॉर्मल आया था। कोलेस्ट्रॉल जो था उसका प्रमाण कम हुआ था क्योंकि एक तो दवाइयाँ भी चालू थी, और सेकेंडली मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई थी कि जैसे एक तो निदान परिवर्जन हम जो बोलते हैं कि बाहर का खाना आपको नहीं खाना है, तो मैंने उनको एक पूरा डाइट शीट दिया था कि कौन कौन से चीज़ें खानी है कौन सी नहीं खानी है, तो ये भी मैंने पूछा था। और एक बात अच्छी थी कि पेशेंट ने अपने आप व्यायाम चालू किया था, एक्सरसाइज करना शुरू किया था। तो ये सभी चीज़ों की वजह से उनका लगभग एक 3 3 महीने बाद जब हमने सोनोग्राफी किया तो उसमें, और ये ब्लड टेस्ट किया तो उसमें काफ़ी हमें अच्छे रिजल्ट्स उसमें देखने को मिले। फिर तीसरा जो केस है ये एक 45 ईयर्स के एक मेल है। हाँ, ये केस काफ़ी अलग थी मेरे प्रैक्टिस में, और ये केस पे मैं बहुत सोचा था मैंने काफ़ी इस केस के बारे में कि हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, हम कुछ गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं हम। क्योंकि ये केस में कैसा था, एक पेशेंट था, ये बेसिकली इनका जो प्रोफेशन था तो ये दूध वाले भैया थे, इनके खुद की भैंसे थी, और ये एक रूरल एरिया में, हमारे इधर पिरंगुट करके एक रूरल एरिया है, तो वहाँ के ये पेशेंट थे। मैं वहाँ पे मैं पहले प्रैक्टिस करता था, उधर मैं जाता था, अभी भी जाता हूँ वहाँ पे। तो वहाँ के ये पेशेंट थे, और ये जब फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे तो दिखने में तो इनका वजन वजन काटे पे इनका जो वजन था वो लगभग 70 किलो था, पर पेट इतना फूला हुआ पेट था उनका। और मैंने जब उनको पूछा कि आपको तकलीफ क्या क्या होती, तो उन्होंने बोला कि जैसे गुब्बारा होता है तो वैसा मेरा पेट गुब्बारे जैसा लगता है मुझे, और गैसेस बहुत ज़्यादा गैसेस होते हैं, ऐसे उन्होंने मुझे बोला। तो बाकी भी क्षुधा मान लिया था, पेट अच्छे से साफ नहीं होता था, शरीर काफ़ी उनका भारी भारी रहता था, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ उसमें थी। तो मैंने जब उनके हेतु मैंने निकाले तो क्या करते थे, रोज सुबह को वो भैंस का दूध निकालते थे, और नाश्ता तो वो कुछ करते नहीं थे, तो सुबह को अंदाज़े 1 लीटर तो दूध वो ले ही लेते थे।
फिर दोपहर में खाने के साथ में जो भाकरी रहता है, तो भाकरी के साथ में वो दूध में ऐसा उसका अच्छे से मिक्स करके, उसको हम मराठी में काला करके बोलते हैं, अच्छे से उसको मिक्स करके वो दूध में ये करते थे। फिर शाम को 4-5 बजे वो फिर से दूध पीते थे, फिर 7-8 बजे वो फिर से दूध पीते थे। तो ऐसा मैंने उनका टोटल निकाला था, दिन में डेली उनका 3 लीटर दूध पीते थे वो। तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि एक आध पेशेंट इतना दूध पीता है। तो मैंने पहला क्वेश्चन उनको पूछा कि आपको कुछ लूज मोशन तो नहीं होते? तो बोला कहाँ डॉक्टर साहब, लूज मोशन तो नहीं होते, पर पेट अच्छे से साफ नहीं होता, बार बार ऐसे लगता है कि मुझे जाना है पर मैं अच्छे से मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि अरे इसमें तो डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है, तो हमें इसमें पाचन और रुक्षण देना जरूरी है, क्योंकि वो दूध पीता है, एक तो भैंस का दूध पीता है, तो भैंस का दूध पीता है तो नेचुरली गुरु गुण का है, देन स्निग्ध गुण का है, देन द्रवत्व है, तो नेचुरली हमें उनको स्निग्ध है तो उसके अपोजिट क्या आता है, रुक्ष आता है, तो हमें रुक्षण करना जरूरी है। गुरु है तो हमें उसको लघु लघु गुण के रिलेटेड हमें उसके कुछ द्रव्य देना जरूरी है। तो अभी इतना 3-3 लीटर दूध कोई आदमी पिएगा तो नेचुरली उसका अग्नि तो मंद ही हुआ रहेगा, तो हमें उसको अग्नि प्रदीप्त करने वाली दवाइयाँ देना जरूरी है, ऐसे मैंने सोचा। तो वो हिसाब से मैंने जैसे मैंने पहले केस में बोला कि पिपली पिपली मूल, फिर मरीच, सूंड, चित्रक, ऐसे कॉम्बिनेशन वाली एक दो प्रकार की टैबलेट्स मैंने उनको दी थी। तीसरा मैंने उनके इसमें त्रिफला मैंने इस्तेमाल किया था, रुक्षण के लिए मैंने सोचा कि त्रिफला इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। और प्लस मैंने उनको गंधर्व हरीतकी भी दिया था, कि एक तो हरीतकी भी है पर उससे अपना जो एरंडा तेल है तो उससे भी शायद थोड़ा पाचन हो जाए, थोड़ा जो आमोदोष जो है वो कम हो जाए, तो उसमें भी हमें अच्छा रिलीफ मिल जाएगा, ऐसा मैंने सोचा। तो एक हफ्ते का मैंने मेडिसिन दिया, एक हफ्ते बाद पेशेंट आया तो मैंने बोला कि अभी कैसे लग रहा है? कुछ भी तो नहीं लग रहा है, वैसे का वैसा ही है सब। तो मैंने सोचा ऐश्वर्या जी का फिर से कनेक्शन लॉस हुआ है। हेलो ऐश्वर्य जी, आप म्यूट हो चुके हैं, आपको अनम्यूट करना होगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है, बीच में फिर से 20-30 सेकंड्स आवाज चली गई हाँ, थी। कुछ तो मेरे यहाँ पे आ रहा था कि दिस हैज द रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड ऐसा आता था, और पिछले टाइम भी वही हुआ था, शायद कुछ टेक्निकल इश्यू रहेगा हाँ, नेट स्पीड की वजह से हुआ होगा। आप शायद। हाँ रो फिर वैसे से हुआ कनेक्टेड रहेगा। कंटिन्यू कीजिए, लेकिन थोड़ा पीछे से ये केस शुरू कीजिएगा। ठीक, मैं ये केस के बारे में फिर से बोलता हूँ कि मैंने ये केस, ये जो पेशेंट है तो लक्षण तो मैंने अभी बताया इसमें, और डेली वो 3 लीटर भैंस का दूध पीता था, ऐसा पेशेंट था। तो मैंने जैसे सोचा कि नेचुरली इसमें अगर पेशेंट जो है वो दूध ले रहा है और भैंस का दूध ले रहा है तो वो गुरु रहेगा, स्निग्ध रहेगा, द्रव रहेगा, तो उसके अपोजिट जो है वो मुझे उनको कुछ तो दवाई देनी है। तो मैंने उनको रुक्षण करने के लिए मैंने उनको त्रिफला दिया था, हरीतकी
अग्नि प्रदीप्त करने के लिए, एक तो दूध शीत भी रहता है, तो मैंने जो सोचा नहीं शीत है तो हमको इसके अपोजिट उष्ण गुण की हमें ट्रीटमेंट देनी है, तो पिपली पिपली मूल चौव्य चित्रक नागर, ऐसा जो हमारा पंचकोल है, सॉरी, तो ये जो द्रव्य है तो इसके रिलेटेड मैंने उनको कुछ मेडिसिन्स दी थी। फिर उसके साथ मैंने जैसे त्रिफला दिया था वैसे उनको गंधर्व हरीतकी भी दिया था, और ऐसी कुछ दवाइयाँ देने के बाद एक हफ्ते बाद जब मैंने उनको पूछा कि आपको कैसे लग रहा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर इसमें तो कुछ रिलीफ नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो सिद्धांत है जो प्रिंसिपल्स है तो इस पे अगर हम देखेंगे तो ये तो बराबर दे रहा हूँ मैं, तो मैंने बोला कि इनको और एक बार हम देंगे, तो मैंने उसके रिगार्डिंग भी उनको मैंने उनको एक हफ्ता और ट्रीटमेंट दी। तो फिर से मैंने उनको पूछा कि आपको एक हफ्ते बाद कैसे लग रहा है, तो बोले कि नहीं सर वैसे का वैसा ही है। तो फिर मैंने सोचा कि अरे इनमें कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने इनको बोला कि आपका एक बार हमें शोधन करना जरूरी है, यानी पंचकर्म शुद्धि करना जरूरी है। पर एक तो वो पेशेंट था गांव में रहने वाला था जिसको पंचकर्म के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं था, उसको उतना टाइम भी नहीं था कि क्योंकि वो ही खुद 10-12 भैंसे वो अकेला संभालता था, तो उसका सुबह दोपहर शाम वो सब करना था, उसको लोगों को जाके दूध देना वो ही करता था, दूध निकालता भी वो ही था, भैंसों को साफ करना भी वो ही कर रहा था, तो फिजिकल एक्टिविटी तो काफी थी पर उसके पास टाइम नहीं था। तो बोला कि नहीं सर पंचकर्म शुद्धि तो कुछ मेरे तरफ से नहीं होगा, आप दवाइयों में आप जो देना है वो दे दो। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने फिर इस ये पेशेंट के बारे में मैंने सर से एक बात बात की, सर को बताया मैंने कि धर्माधिकारी सर जी मैं ये दवाइयाँ उनको दे रहा हूँ तो मेरी कुछ गलती हो रही है क्या। तो सर ने मुझे पूछा कि ये जो दुग्धपान रोज 3 लीटर करते थे तो ये इन्होंने बंद किया है क्या। तो मैंने बोला मैंने तो सर उनको बोला था कि आप बंद करो, तो सर ने बोला ऐसे नहीं आपने कंफर्म किया क्या कि पेशेंट ने बंद किया है। मैंने बोला नहीं सर। तो सर बोले आप पहले एक बार पेशेंट को फिर से पूछो कि आपने बंद किया है क्या। तो जब मैंने पेशेंट को पूछा कि आपने बंद किया है क्या, तो पेशेंट ने बोला हाँ मैंने थोड़ा कम किया है। तो मैंने बोला थोड़ा यानी कितना। तो उसका मैं जब जब मैंने टोटल निकाला तो उसका 3 लीटर का उसने 2 लीटर किया था। तो मैं बोला कि नहीं आपको अगर इससे रिलीफ होना है तो आपको अभी के तौर पे आपको ये रोकना पूरा जरूरी है। और वो बोला कि सर मैं तो ठहरा भैंस पालने वाला आदमी, मेरे पास तो दूध जो है यही मेरा मेरे पास अवेलेबल ज्यादा रहता है। तो मैंने उनको समझाया कि नहीं इसके बेनिफिट्स क्या है तो वो तो हमको मालूम है, पर आपके केस में जो है ये बेनिफिट्स लागू नहीं पड़ेंगे क्योंकि आपके इसमें गुरु गुण बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो उसको नेचुरली सब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर उसको भगवान की दया से उसको मेरे पे विश्वास था। तो उसने मैंने जैसे बोला अगले 1 महीने के लिए उसने दूध पूरा बंद किया, पूरा यानी पूरा, उसने एक ड्रॉप भी नहीं लिया, मैं उसको हर बार पूछता था, और वही दवाइयों से, खाली वही दवाइयों में कुछ भी बदलाव नहीं था, वही दवाइयों से अगर हम देखेंगे तो लगभग 1 महीने बाद, यानी पहले 15 दिन तो उस वैसे ही गए, पर उसके आगे जो है वो 1 महीना जो है तो वो 1 महीने में हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि गैसेस के जो तकलीफ है वो सिग्निफिकेंटली कम हुई है उनकी। और सेकेंडली इसमें जो उनको जो क्षुधा मानदय था यानी जो भूख नहीं लगती थी तो भूख भी काफी अच्छे तरीके से उनको लगने लगी। तो ये हमने जो है तो इससे मुझे एक चीज ध्यान में आई कि हमको अगर किसी पेशेंट को ट्रीट करना है, हमको अगर किसी पेशेंट को ट्रीट करना है तो पहले सबसे जरूरी चीज है कि हमें उसके हेतु बंद ही कराने हैं। हेतु अगर हम बंद नहीं करेंगे और हम कितनी भी दवाई अगर हम उनको देंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं होगा। ये सबसे बड़ी सीख मैंने मेरे पूरी लाइफ में ये केस से मुझे मिली कि हम कितना भी उसको अच्छे से अच्छी दवाइयाँ देंगे कुछ भी करेंगे पर अगर हम पेशेंट के हेतु नहीं बंद करेंगे तो पेशेंट को रिलीफ जो है वो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो भी वो टेम्पररी रिलीफ मिलेगा या जो भी रिलीफ मिलेगा वो जितना मिलना चाहिए उससे काफी कम मिलेगा। तो ऐसे मैंने इसमें नोटिस किया। तो उसके बाद हमने उनका सोनोग्राफी भी कराया था तो उसमें ग्रेड 2 फैटी लिवर था और कोलाइटिस भी था। तो मैंने सोचा कि ठीक है ऐसी चीज है तो हम उसमें और कुछ दिन हम उनको मेडिसिन देंगे। और उसमें हमने देखा कि मेडिसिन में कुछ हल्के बदलाव किए थे पर वही लाइंस पे हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे थे।
और उसमें 3 महीने हमने उनको उसके आगे, यानी पहला 1.5 महीना और आगे अभी ये 3 महीने, तो 4.5 महीना हमने उनको ट्रीटमेंट दिया। तो बाकी सब लक्षण यानी गैसेस है, पेट साफ करना, ये सब चीजें जो है वो काफी हद तक कम हुई थी, पर शरीर गौरव जो उनको लगता था तो उसमें कुछ उनको ज्यादा रिलीफ नहीं था। तो फिर नेचुरली अभी 4.5 महीने हो गया, तो फिर पेशेंट ने खुद ब खुद, मैंने देखा कि पेशेंट ने खुद ब खुद ब्रेक ले लिया। लगभग 3 महीना वो आया ही नहीं पेशेंट मेरे पास, तो मैंने सोचा कि नहीं हमसे तो कुछ गलत हुआ है शायद, तो पेशेंट चला गया। पर 3 महीने बाद वो फिर से पेशेंट मेरे पास आया, और जब वो फिर से मेरे पास आया तो फिर मैंने उनको पूछा, तो जैसे पहले लक्षण थे उसमें से गैसेस की तकलीफ फिर से बढ़ी थी, पेट तो साफ हो रहा था, भूख भी लग रही थी, शरीर गौरव थोड़ा कम हुआ था और उदर गौरव जो था वो उनमें महसूस हो रहा था उनको। तो मैंने फिर से थोड़ा सोचा कि क्या करना है, फिर से मैंने गुणों के बारे में सोचा, और मेरे दिमाग में तो वही है कि अभी क्या यही करना है। फिर मैंने बोला कि नहीं, इस टाइम हम थोड़ा सा रुक्षण और ज्यादा करते, तो मैंने त्रिफला का जो डोज है वो थोड़ा सा बढ़ा के पेशेंट को दिया। एंड उसके बाद ऑन एंड ऑफ 8 महीने मैंने इधर लिखा है, पर टू बी वेरी फ्रेंक, ये 8 महीनों में वो पेशेंट एक हफ्ता आता था, एक हफ्ता नहीं आता था, ऐसे कम ज्यादा करके वो पेशेंट मेरे पास आता था। और 8 महीने बाद का उनका कंडीशन ऐसा था कि उनका गैसेस का तकलीफ कम हुआ था, उदर गौरव नहीं था उनको, शरीर गौरव भी उनका पूरा कम हो गया था। तो ऐसे ये पेशेंट में मैंने नोटिस किया। तो इससे, और मैंने फिर उनको मैं हर बार उनको ये पूछता था कि आप अभी दूध ले रहे क्या। सरप्राइजिंगली वो टाइम पे ऑन एन एवरेज वो पर्सन आधा से 1 लीटर दूध लेता था। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसमें मैंने एक चीज नोटिस की, तो एक तो उसने दूध का प्रमाण कम किया था डेफिनेटली, दूसरा एक चीज था कि जो हम रुक्षण दे रहे थे और इतने दिनों से जो हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे थे तो शायद उसका बेनिफिट हुआ रहेगा, ऐसे मैंने उससे तात्पर्य निकाला। तीसरी एक जरूरी चीज थी कि उसका फिजिकल एक्सर्शन जो था वो तो उतना ही था जितना वो पहले करता था, पर अभी उसने जो दूध है तो उसका प्रमाण उसने सिग्निफिकेंटली कम किया था। तो जहाँ वो 3 लीटर लेता था तो वहां पे वो अभी आधे लीटर पे आया था। बोला चलो ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो कुछ उसने हेतु बन किए तो उसके वजह से उनको ट्रीटमेंट में या ये ओवरऑल सिम्टम में उनको ज्यादा रिलीफ हुई, ऐसा मैंने निष्कर्ष निकाला। भी इसके आगे जो एक नेक्स्ट केस है, ये एक 45 इयर्स के मेल पेशेंट है, तो उनके रिगार्डिंग ये है। ठीक है, तो ये केस में अगर हम देखेंगे, उनको लगभग 1 साल से उनको उदर गौरव, फिर ब्लोटिंग यानी पेट फूलना है, पेट अच्छे से साफ ना होना है, गैसेस होना है, डकार आना है, ये सब चीजें उनको, और पेट में दर्द होना, ऐसे उनको लक्षण जो है वो दिखाई पड़ते थे। तो जब मैंने उनको हेतु पूछे तो उसमें मुझे दो इम्पोर्टेंट चीजें पता चली कि एक तो अव्यायाम और दूसरा वो मेस का खाना खाते थे। तो मेस के खाने में मैंने एक मेरे ध्यान में आया तो मैंने उनको पूछा, तो वो मेस के खाने में ना बहुत सोडा इस्तेमाल करते थे, खाने का जो सोडा रहता है तो वो इस्तेमाल करते थे वो लोग। और दूसरा डेली उनके खाने में जो एक सब्जी रहती थी वो तो स्प्राउट्स की रहती थी, जैसे छोला रहेगा, राजमा रहेगा, तो ऐसी प्रकार की उनके खाने में चीजें काफी ज्यादा थी। तो फिर मैंने इसके बारे में जब मैंने सोचा तो मैं बोला कि हेतु तो सब अभी ये वातवर्धक हेतु है, तो वात जो है तो एक तो ये दो तरीके से बढ़ेगा, एक तो संतर्पणोत्थ अगर हम देखेंगे तो जो वो अव्यायाम कर रहे हैं तो उससे नेचुरली उनका जो दोष कम होने चाहिए वो उतने नहीं होंगे, और सेकेंडली ये जो वातवर्धक पदार्थ वो जो खाते थे जैसे छोला है, राजमा, तो उससे डायरेक्टली यानी के प्योरली जो वात के गुण हैं तो उनके तरीके से वो गुणों से ही उनका जो है वो दोष बढ़ेंगे। तो फिर मैंने सोचा हम इनको दोनों तरीके से ट्रीटमेंट देंगे, एक तो वात बढ़ रहा है तो हम अगर देखेंगे तो मैंने ऐसा सोचा कि जो स्प्राउट्स रहते हैं तो वो काफी हद तक वृक्ष गुण के रहते हैं, तो वृक्ष के अपोजिट स्निग्ध है, तो मैं बोला चलो हमको इनको स्निग्ध कुछ तो देना है। तो फिर मैंने सोचा कि अरे इनको हम घी देंगे, पर मैंने दूसरा सोचा, अरे इनको तो ब्लोटिंग भी हो रहा है, तो
जो बोला ठीक है चलो ब्लोटिंग जो है वो जो वातवर्धक जो आहार ले रहे थे उससे ही ब्लोटिंग होता रहेगा उनको। फिर उधर गौरव और पेट अच्छे से साफ नहीं होता था, तो मैंने किधर तो सोचा नहीं अगर ये खाली जो हम अपने इसमें बोलते हैं कि खाली अगर वात बड़ा रहेगा तो इसमें ये लक्षण नहीं दिखने चाहिए, तो मैंने ऐसा सोचा चलो कुछ नहीं हम दोनों देखे देखेंगे जिसका रिजल्ट मिलेगा मिलेगा। तो मैंने साइमल्टेनियसली उनमें क्या किया, मैंने उनको दीपन पाचन करने वाली दवाइयाँ भी दी और साइमल्टेनियसली घृत भी दिया। पर घृत जो दिया देना था तो मैंने उनमें क्या किया कि नॉर्मल घृत देने से अच्छा मैंने पंचतिक्त घृत दिया, तो जिससे तिक्त द्रव्य से तिक्त रस से पाचन भी होगा। तो और साइमल्टेनियसली जैसे मैंने बोला कि हर केस में मैंने देखा कि आपने देखा रहेगा अब तक कि मैंने उनको गंधर्व हरीतक की भी दिया था। तो ये तो एक था। दूसरा वातनाशक या वात कम करने वाली दवाई से सिद्ध तेल जो है, तो उसमें जो है मैंने उनको हिंगाष्टक चूर्ण मिक्स करके उनके पेट में लगाने को मैंने एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए उनको मैंने बोला था। ठीक है, तो ये उन्होंने जो है कुछ दिनों तक किया, लगभग मेरे हिसाब से 15 दिन के आसपास, 15 दिन तक मेरे हिसाब से उन्होंने किया था। और फिर उनके लक्षण जब फोन पे मेरी उनसे बात हुई थी तो लक्षण जो है वो काफी हद तक कम हुए थे, पर रिलीफ जो है वो उनको पूरा नहीं मिला था। तो मैंने उनको फिर बोला कि ठीक है सर आप क्लिनिक में आ जाओ, हम एक बार आपको चेक करके देखते हैं और फिर वो हिसाब से हम आगे का ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे। पर उन्होंने खुद ब खुद उनका जो ट्रीटमेंट है तो वो उन्होंने बंद किया था। और फिर लगभग 2 महीने के बाद वो पेशेंट फिर से मेरे पास है और वो बोले कि सर पहले तो पेट थोड़ा सा हल्का हुआ था तो मुझे लगा कि अभी ठीक हो जाएगा, पर अभी कुछ दिनों के बाद ये गैसेस की तकलीफ फिर से बढ़ गई, पेट भी अभी अच्छे से साफ नहीं हो रहा है और जो पहले पेट में दर्द होता था वो कम हुआ तो वो अभी वो फिर से बढ़ा है। तो मैंने उनको फिर पूछा कि सभी हेतु मैंने सोचे और मैंने देखा कि स्पेसिफिकली मैंने पूछा कि आपके खाने में घी जा रहा है क्या, तो उनके खाने में घी तो नहीं जा रहा था। तो मैंने कुछ नहीं, मैंने फिर से वही ट्रीटमेंट दी जिसमें मैंने उनको घृत का जो डोज है तो वो थोड़ा सा बढ़ा के दिया था, और सेकेंडली मैंने उसमें जो है बाकी की ट्रीटमेंट वैसे की वैसे रखी थी। थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग मैंने, हाँ एक चीज मैंने बताने की रह गई कि पहले स्टेज में मैंने उनको अभयारिष्ट दिया था कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्रोतोरोध दूर होगा पेट अच्छे से साफ होने के लिए अभयारिष्ट दिया था। पर सेकंड इसमें फिर मैंने क्या किया, मैंने उनको मैंने बोला कि नहीं हम थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे, तो मैंने उनको तक्रारिष्ट शुरू किया। तो मैंने तक्रारिष्ट शुरू किया एंड लगभग एक मेरे हिसाब से 3 हफ्ते में अगर आप देखोगे तो सभी लक्षण जो है वो काफी अच्छे हद तक उनके कम हुए थे। और उसके बाद हमने धीरे धीरे उनकी मेडिसिन टेपर ऑफ की, उन्होंने मैंने उनको खाने के बारे में मैंने एक चीज उनको बोली कि भाई साहब आप एक चीज पे आप ध्यान दो कि आपका जो मेस का खाना है तो वो आपको ज्यादा सूट नहीं कर रहा है। तो फिर उन्होंने भी उनको भी उसके बारे में समझ आई और फिर उन्होंने जो खाना है वो घर का टिफिन लेके जाते थे वो, तो खाने के इसमें काफी बदलाव हुआ। सेकेंडली उन्होंने ऐश्वर्य जी, आपका ऑडियो कनेक्शन फिर से गया था लास्ट स्लाइड्स के खाने में चेंजेस से हम सुना। ओके।
अभी आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। ओके तो ये एक जो पेशेंट है तो ये काफी मिडिल क्लास फैमिली पुणे से ही बिलोंग करते हैं, और मैंने इनसे जब ये पहली बार मेरे पास आए तो 77 ईयर्स के मेल पेशेंट है ये। तो पहली बार जब वो मेरे पास आए तो उनकी सबसे इम्पोर्टेंट तकलीफ थी कि उनको बहुत ज़्यादा जलन होती थी। बर्निंग वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम इन हिज केस। ओके, ये छोड़ के फिर इनको सिर में दर्द होता था, डकार आते थे, फिर गले में ऐसा चिपचिपाहट, सॉरी ना चिपचिपाहट पर ऐसा कफ अटक गया कुछ तो ऐसे लगता था उनको। और दूसरा एक जरूरी लक्षण था कि आम्लास्य था, यानी कि उनका जो जो टेस्ट था तो वो हर बार ऐसा अम्ल टेस्ट उनका मुंह में रहता था। तो जब मैंने उनका हिस्ट्री पूछा तो उनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन और इश्मिक हार्ट डिजीज ऐसे तीनों चीजें थे जिसपे ये काफी सालों से एलोपैथिक दवाइयां ले रहे थे। तो हेतु जब मैंने निकाले तो उसमें एक तो लॉन्ग टर्म एलोपैथिक मेडिसिन ये जो ले रहे थे तो उससे भी उनको काफी हद तक एसिडिटी होती थी ऐसे मैंने सोचा। सेकेंडली मैंने उनमें एक ध्यान में मेरे चीज आई कि ये पेशेंट जो है काफी हद तक पानी बहुत ज्यादा पीते थे, कि वो सुबह उठने के बाद 1 लीटर पानी पीते थे डेली, फिर हर खाने के पहले पानी पीते थे, खाने के बीच में भी पानी पीते थे, खाने के बाद में भी पानी पीते थे। तो ये दूसरा जरूरी चीज था। और तीसरा पित्तवर्धक शाक, यानी कि जो मैंने फाइंड किया तो उसमें मेथी का पत्ता सब्जी है, फिर एक शेपू करके एक पत्ता सब्जी आता है, ये दोनों पत्ता सब्जी काफी हद तक ऑलमोस्ट ये एक दिन मेथी खाएंगे एक दिन शेपू खाएंगे ऐसा होता था उनके इसमें। तो मैंने पहले उनको बताया कि ये जो हेतु है तो ये आपको बंद करने जरूरी है। तो नेचुरली वो बोले कि सर हम तो एलोपैथिक दवाइयाँ बंद नहीं कर पाएंगे, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने हमें ये दी है दवाइयाँ। मैंने बोला चलो ठीक है, आप ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको नहीं बंद करनी है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और अगर हम उनको बंद करेंगे तो हमको उनको उतना अच्छा सब्स्टिट्यूट भी तुरंत देना जरूरी है, और 77 ईयर्स के पेशेंट है, अगर कुछ हो गया तो सब हमारे ऊपर आएगा। तो मैंने उससे अच्छा सोचा चलो ये है तो जो है आप कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं, पर जो पित्तवर्धक शाक है वो पहला बंद कर दो। तो बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, हम मेथी और पत्ता सब्जी, मेथी का पत्ता सब्जी और ये जो है अपना शेपू, ये दोनों हम बंद कर देंगे। तीसरा जो अत्यंबु पान के बारे में जो था तो वो भी मैंने उनको बोला कि मैंने उनको एक सिंपल दो नियम मैंने उनको सिंपल बताया कि आप जब सुबह को उठते हैं तो आप जब भी पहली बार जब 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 आप पानी पियोगे तो आपको 200 ml से ज़्यादा पानी नहीं पीना है, ये मैंने पहला नियम उनको बताया। दूसरा नियम मैंने उनको ऐसे बताया था कि आप जो जो जब भी पानी पीते हैं तो आपको कितना भी प्यास लगा रहेगा, कम से कम पहले पानी पीने के इंस्टेंस में दूसरे पानी पीने के इंस्टेंस में 15 से 20 मिनट का गैप होना चाहिए। और तीसरा मैंने उनको बताया था कि आपको जब भी प्यास लगेगा तब भी आपको पानी पीना है। हमें भगवान ने ये बहुत अच्छा सेंस दिया है कि हमें प्यास लगती है तो जब भी हमें प्यास लगती है तभी हमें पानी पिया, प्यास नहीं लगेगी तो पानी नहीं पीना है, ऐसे मैंने उनको बोला था। पर जब भी नेक्स्ट टाइम जब वो मेरे पास आए थे तब उन्होंने बोला मुझे प्यास तो बहुत लगती है तो मुझे पानी तो पीना चाहिए। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं ये कुछ तो गलत हो रहा है, तो फिर मैंने उनके रूल में खाली जो लास्ट चीज थी वो मैंने उनको कुछ दिन के लिए ओमिट करने को बोली। मैंने बोला कि आप एक काम करना, आप जब भी आपको पानी पीना है 200 ml से ज्यादा पानी नहीं पीना, और दूसरा मैंने उनको बोला कि कम से कम आधा घंटे का गैप होना चाहिए, ऐसे मैंने वो गैप खाली बढ़ाया। तो वो बोले ठीक है वैसा करेंगे। और फिर उनके केस में जो मैंने उनको मेडिसिंस दी थी तो इसमें मैंने एक तो सूत शेखर दिया था, दूसरा कामदूधा दिया था, तीसरा अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने यष्टि मधु दिया था, फिर सारिवा चूर्ण दिया था, और अपना ये जो है अभिपत्तिकर चूर्ण जो है तो वो मैंने कॉम्बिनेशन करके उनको दिया था, और बाकी कुछ एक आयुषिड करके एक सिरप आता है वो भी दिया था। तो मैंने बेसिकली इसमें ऐसे सोचा कि हम इनको थोड़ा अभी उनको तकलीफ हो रहा है तो थोड़ा सा शामक कैटेगरी में हम उनको चिकित्सा देंगे। और लगभग 1.5 महीने बाद, 1.5 महीने तक हमने उनको ट्रीटमेंट इसी लाइन्स पे, हमने उनको ट्रीटमेंट थोड़ी बहुत इधर उधर हुई थी पर इसी लाइन्स पे हमने उनको ट्रीटमेंट दी थी, जैसे हमने इसमें सूत शिखर दिया था वैसे लघु सूत शिखर भी दिया था। तो हम जब एक 1.5 महीने के बाद जब हमने देखा तो
उनके एसिडिटी की तकलीफ बहुत अच्छे से कम हुई थी, नाक के बराबर थी, डकार भी उनको नहीं आते थे, गले में जो कफ संचिति थी वो भी नहीं थी, पर खाली जो आम्लास्यता है वो तो कुछ अच्छे से कम नहीं होते। फिर भी उनको जो कुछ भी वो पानी भी पीते थे तो वो आम्ल तरीके का उनको आम्ल टेस्ट उनको लगता था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो दोषों के इस पे काफी अच्छे से चिकित्सा हम कर रहे हैं, पर कुछ लोकल ट्रीटमेंट भी हमको, यानी स्थानिक ट्रीटमेंट भी हमें कुछ करना जरूरी है। तो मैंने उनको क्या किया, खाली त्रिफला क्वाथ का ताजा उनको मैंने भरड़ दिया था, त्रिफला का डेली सुबह शाम काढ़ा उसको बना के उसको उससे गंडुश करना है, ऐसे मैंने उनको बोला था। और सेकेंडली इरी मेदादी तेल मैंने उनको जुबान पे लगाने के लिए बोला था। और 15 दिनों में ही उनको ये जो आम्लास्थियता थी तो वो भी इनकी काफी हद तक कम हो गई। आज की डेट में मेरे हिसाब से 1 महीने पहले ये पेशेंट उनके वाइफ को लेके मेरे पास आए थे, तभी मैंने इनको पूछा था कि अभी आपकी तकलीफ कैसे है। तो उनके मेडिसिन तो खत्म हो के लगभग 6 महीने हुए रहेंगे, पर भगवान की कृपा से और जो उन्होंने खाने में जो उन्होंने बदलाव किए हैं, पानी पीने के नियमों के बारे में जो उन्होंने बदलाव किए हैं, तो उसके वजह से उनको आज तक उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। तो इससे मैंने ऐसे इन्फरेंस निकाला कि जो वो अत्यंभू पान कर रहे थे, तो जिससे अत्यंभू पान से द्रव गुण जो है पित्त का, ये द्रव गुण काफी हद तक बढ़ रहा था, और ये द्रव गुण तो बढ़ ही रहा था। और दूसरा जो उष्ण प्रकृति के जो दवाइयाँ वो ले रहे थे तो उससे उष्ण गुण भी बढ़ रहा था। तो ये जो उष्ण गुण है, ये मैंने बाकी जो मेडिसिन थे जैसे यष्टि मधु है, सारीवा है या कामधुदा, इससे मैंने वो बैलेंस किया। और अत्यंभू पान का खाली हेतु बन करके उसपे कुछ मेजर उसपे चिकित्सा भी किए भी ना, खाली बाद में जो त्रिफला गंडूष पर वो तो खाली लोकल ट्रीटमेंट था, पर हेतु खाली बंद करने से मुझे उनमें काफी अच्छी तरीके से रिलीफ मुझे दिखाई पड़ा। ये एक केस है जिसने मुझे कुछ जरूरी चीजें मेरे नॉलेज में, इससे थोड़ा नॉलेज में नहीं बोलूंगा, मेरे एक्सपीरियंस में सॉरी मेरे एक्सपीरियंस में मुझे कुछ चीजें ये केस की वजह से समझी। तो वो मैंने खुद के खुद में, जब मुझे टू बी वेरी फ्रैंक मुझे इसका रेफरेंस अभी भी ढूंढना है, पर मैंने मेरे प्रैक्टिस में एक चीज देखी है कि जिनको काफी सालों तक या काफी दिनों से जिनको अग्निमांद्य है या पचन विकार है कोई भी, तो इनको आगे जाके एसिडिटी की तौर पे इनको लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जिनको दीर्घ काल से एसिडिटी की शिकायत है उनको एक तो आर्शर जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं, या फिर यूरिनरी कैलक्यूलाई, यानी कि हम जो मूत्राशय में जो स्टोन्स होते हैं तो वैसे उनको लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और जिनको ये तकलीफ भी काफी दिनों से है उनको आगे जाके शरीर में कहीं ना कहीं पे तो उनको गांठ आती है। तो एक तो वो स्किन पे लाइपोमा जैसी गांठ आती रहेंगी, कोई सीवियर केसेस में कैंसर के कुछ प्रॉब्लम्स होते रहेंगे, तो ऐसे मैंने देखा है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अब तक का, उसका रेफरेंस मुझे अभी भी उसके रिगार्डिंग मुझे ढूंढना है, पर ये केस में मैंने वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने मुझे दिखाई पड़ा कि ये जो उनको लक्षण होते थे कि गैसेस थे, फिर उनको बहुत डकार आते थे, और खाने के बाद उनके पेट में काफी भारीपन और दर्द होता था। और उनको अगर हम उनके हिस्ट्री में देखेंगे, मेडिकल हिस्ट्री में देखेंगे, तो उनको भी डायबिटीज, बीपी, थायराइड और यूरिनरी कैलकुलर था। तो मैंने उनको इसके बारे में जब पूछा तो उन्होंने मुझे वही बताया बताया कि उनको सबसे पहले डाइजेशन का इशू है, उसके बाद एसिडिटी का इशू है, उसके बाद यूरिनरी कैलकुलर का इशू है। तो फिर मैंने जब उनको उनके लक्षण लक्षणों के से फिर मैंने एज यूजुअल मैंने उनको हेतु पूछे, तो मुझे एक चीज ध्यान में आई कि एक तो ये उन्होंने जस्ट ये लेडीज जो थी तो हाउसवाइफ थी और काफी वेल टू डू फैमिली से थी, तो उनके पास घर पे काम करने के लिए सब मेड्स आती थी, यानी रोटी पकाने के लिए एक भाई आती थी, झाड़ू पोछा करने के लिए एक भाई आती थी। तो इनको फिजिकल काम ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं, पर इनका जो खाना था वो एकदम टाइम टू टाइम था, और एकदम उतना ही खाना वो रोज खाती थी, कोई भी सीजन रहेगा वो एक ही क्वांटिटी में खाना खाती थी। तो ये मैंने एक नोटिस किया। तो मैंने उनको पूछा ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं, तो बोले सर मैं बराबर से 9 बजे में ब्रेकफास्ट करती हूँ। आप खाना कितने बजे खाते हो, बोले मैं बराबर से 1 बजे खाना खाती हूँ।
फिर आप क्या करते हैं, वो बोले मैं फिर से 5 बजे में फिर से कुछ खाना खाती हूँ, लाइट ब्रेकफास्ट करती हूँ और शाम को मैं 9 बजे फिर से खाना खाती हूँ। तो मैंने बोला कि, मैंने उनको एक सिंपल सवाल पूछा कि आप ये जो ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद आप जब 1 बजे खाना खाते हैं तब तो आपको भूख लगती है क्या, आपको भूख की सेंसेशन होती है क्या? वो बोले नहीं, पर हमें डायबिटीज की दवाइयाँ लेनी रहती है तो उसके लिए हमें गोली लेना जरूरी है, तो गोली लेने के तुरंत बाद हमें खाना खाना है। मैंने बोला ठीक है, तो फिर 5 बजे जब आप खाते तभी आपको अच्छे से भूख लगती है क्या? वही सवाल मैंने पूछा। वो बोले कि नहीं, मेरा खाने का, मुझे डॉक्टर ने बोला है 4 बार खाना खाना है तो आपको 4 बार खाना खाना है तो खाना है, तो मैं बराबर से 5 बजे मैं खाना खा लेती हूँ, कुछ स्नैक्स खाती हूँ। मैंने बोला ठीक है, रात को आप जब खाए तभी आपको भूख लगती है क्या? बोली नहीं, मुझे वो टाइम पे भी भूख नहीं लगती। तो फिर मैंने उनको एक प्रश्न पूछा कि अगर आपको भूख कब लगती है? जब आपका शरीर को उसकी जरूरत रहती है तब वो डिमांड करता है कि आपको खाना चाहिए, उसके वजह से भूख लगती है। पर आपका शरीर डिमांड ही नहीं कर रहा तो आप उसको क्यों दे रहे हैं खाना? तो बोले कि नहीं, हमको तो बोला है कि दवाइयाँ लेनी है तो उसके पहले आपको खाना खाना है। तो फिर मैंने उनको बोला कि ये तो हो रहा है आद्यशन हो रहा है, और दूसरा, एक तो खाना ज्यादा भी आप खा रहे हो, और दूसरा पहला पचा हुआ खाना, सॉरी पहला खाया हुआ खाना अभी तक पचा नहीं है और उसके ऊपर आप दूसरा खाना खा रहे हो, तो और तीसरा, एक तो उनके इसमें अव्यायाम, क्योंकि उनका फिजिकल काम तो कुछ था नहीं, वो एक्सरसाइज तो करती ही नहीं थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि देखो, आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। तो लकीली उनके जो डायबिटोलॉजिस्ट थे वो थोड़े ओपन माइंडेड थे, तो मैंने खुद उनसे फ़ोन पे मैंने बात की, मैंने उनको ऐसा समझाया कि सर ये तकलीफ है तो प्लीज़ आप इसमें थोड़ी सी, मैं आपके डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में बिल्कुल इंटरफियर नहीं करूँगा, आपको जो देना है वो ही दो, पर मैं उनका जो डाइट है वो मैं चेंज करने वाला हूँ, और मैं उनका जो डाइट है तो उसमें मैं खाली उनको 2 टाइम में उनको खाना देने वाला हूँ। तो वो बोले ठीक है सर, आपको जो खाना देना है दीजिए, मैं पेशेंट का शुगर मैनेज करता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उनका जो खाना है, मैंने वो 4 टाइम पे जो खाती थी, तो मैंने ये केस में उनको खाली 2 टाइम मैंने खाना उनको दिया, क्योंकि मैंने एक बार जब हम कॉलेज में थे तब MD कर रहे थे, तब आदरणीय डॉक्टर गया मैडम जो है, तो वो तभी हमारे इधर का चिकित्सा की HOD रहा करती थी, और उनका एक लेक्चर, मेरा एक सौभाग्य था कि मैंने उनका एक लेक्चर मुझे अटेंड करने का मौका मिला था। और वो टाइम पे मैंने उनसे एक बात मैंने सुनी थी कि अवस्था पाक जो होता है तो वो खाली दिन में 2 टाइम होना अपेक्षित है। तो वो कुछ एक ऐसा सेंटेंस मेरे दिमाग में वो कुछ रह गया था, मुझे उसका आगे का रेफरेंस भी नहीं मालूम था, पीछे का भी रेफरेंस मालूम नहीं था, पर मैंने फिर ये केस के बारे में क्या मालूम कैसे, पर मुझे वो एक चीज़ क्लिक हो गई। तो फिर मैंने खुद को ऐसा सोचा कि चलो, ऐसा हमने सुना है तो एक बार ये ट्राई करके देखेंगे। ऐसे में काफ़ी मेरे प्रैक्टिस में मैं एक्सपेरिमेंट्स करते रहता हूँ, और टू बी वेरी फ्रेंक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहते तभी हमें प्रैक्टिस में मज़ा आता है, वही अगर करेंगे तो फिर उसमें उतना हमें अच्छा नहीं लगता है, वही घिसी पिटी तरीके से प्रैक्टिस करके तो उसमें उतना हमें रिलीफ नहीं, यानी कि हमें उतना उसमें मज़ा नहीं आता है। तो मैंने बोला चलो हम ये पेशेंट में ऐसे करके देखेंगे। तो फिर मैंने उनको बोला कि देखो, आपको 2 ही टाइम खाना खाना है, डायबिटीज़ की जो दवाई है वो उसी तरीके से आपको डायबिटोलॉजिस्ट से ही लेनी है। और फिर मैंने ये पेशेंट में मैंने क्या किया, तो एक तो मैंने देखा कि चलो, ये पेशेंट में जलन तो किधर नहीं हो रही है, तो हम उनको जो है गैसेस हो रहे हैं, उनको डकार बहुत आ रहे हैं, तो नेचुरली थोड़ा सा अजीर्ण, और अजीर्ण के हेतु के अनुसार अजीर्ण और अजीर्ण की वजह से वात प्रकोप, ऐसा ये दिख रहा है। तो मैंने इसमें सोचा कि चलो, हम उनको जो है वो उष्ण कैटेगरी के मेडिसिन हम उनको देंगे। तो फिर मैंने उनको पंचकोला सब दिया था, फिर मैंने उनको एक दीपन पाचन वटी करके आता है, वो काफ़ी थोड़ा स्ट्रांग रहता है, जिसमें कुछ क्षार भी है, लवण भी है, ऐसे कॉम्बिनेशन में वो है, तो ऐसे कुछ दी थी, और उसके साथ मैंने हिंगाष्टक भी दिया था। मैंने बोला चलो एकदम अच्छे से उनको देंगे, और सरप्राइजिंगली खाली 1 हफ्ता मैंने उनको ये दवाई दी, और 1 हफ्ते के बाद जब पेशेंट मेरे पास वापस आए तो उन्होंने मुझे बोला कि उनकी गैसेस, डकार, ये सभी चीज़ें, और जो भोजन पश्चात जो उदर गौरव और जो उदर शूल होता था, ये सभी चीज़ें जो वो डायरेक्टली 60% से कम हुई है।
तो मैंने सोचा चलो इट्स अ बुल्सआई, आई हिट द प्रॉपर स्पॉट आई थॉट। सो फिर मैंने वो हिसाब से फिर मैंने क्या किया, उनको एक हफ्ते बाद उन्होंने खाली मुझे एक चीज बोली थी कि ये जो हम पंचकुला से लेते हैं तो वो लेते टाइम खाली थोड़ा सा गले में जलन होता है। ऑफ कोर्स मैं वो डाइल्यूट करके ही देता था, पानी में मिक्स करके ही उनको लेने को बोलता था, तो फिर भी उनको जलन होता था। तो मैंने बोला चलो जाने दो, उसको थोड़ा कम करेंगे हम। मैंने उनको तकरार स्टे दिया फिर उसके रिगार्डिंग, और तकरार स्टे दिया। और एक हफ्ते बाद जब मैंने वो पेशेंट को पूछा तो उनके सिम्टम्स जो है वो ना के बराबर थे। उसके बाद मैंने धीरे धीरे उनके मेडिसिन्स भी मैंने स्टॉप कराई। और ये दरमियान मैंने एक चीज नोटिस की कि जब ये 2 हफ्ते बाद जब ये पेशेंट मेरे पास आया, मैंने जब बोला कि इनके लक्षण कम है, तभी मैंने उनके डायबिटीज के रिलेटेड भी उनको पूछा। तो इट वाज नॉट अ सरप्राइजिंग थिंग, बट इट वाज अ पॉजिटिव थिंग कि उनके डायबिटीज के मेडिसिन के डोसेस भी कम हुए थे। तो ये भी चीज मैंने एक सीखने को मुझे मिली कि एक तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट उन्होंने व्यायाम चालू किया था, उनका आहार का ये कम हुआ था, ये तो था ही, पर उनका अग्नि प्रदीप्त तो हुआ था। मुझे लगता है कि ये अग्नि जो उनका प्रदीप्त हुआ तो उसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट जो है वो उनके डाइट पे, सॉरी वो उनके शुगर पे या उनके डायबिटीज पे पड़ा रहेगा। काफी सारे केसेस है, अभी मैं एक लास्ट एक केस लूंगा और उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे 1-10 मिनट बोल के फिर मैं वाइंड अप करूंगा। ये एक लड़की है, खाली 19 साल की एक लड़की है, पित्त प्रकृति की, टिपिकल पित्त प्रकृति की उनकी शरीर रचना है, यानी एकदम उनके जो बाल है, उनके जो स्किन टेक्सचर है, टिपिकल पित्त प्रकृति के लोगों के जैसे, उनकी जो बात करने का तरीका है वो, इवन वो उनके एकेडमिक्स में भी वो बहुत अच्छी है, वो काफ़ी ब्रिलियंट है, ऐसे सब है। ये उनके जो ओवरऑल जो एसेट्स है उनके, तो उससे पता चलता है कि इनकी ये पित्त प्रकृति के, उनके जो सॉरी उनकी जो प्रकृति है पित्त डोमिनेंट प्रकृति है उनकी। पर उनके जो लक्षण हैं, तो लक्षण में एक तो उनको एसिडिटी होती थी, पेट में सीने में काफ़ी हद तक जलन होती थी, फिर उनको लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन होता था और उसी पॉइंट पे पीछे बैक पेन भी होता था, उद्गार यानी डकार आते थे, गैसेस, पेट अच्छे से साफ नहीं होता था। तो ये प्रोमिनेंट लक्षणों के लिए वो मेरे पास आई थी। साइमल्टेनियसली ये जो ब्रैकेट में जो लक्षण मैंने लिखे हैं, जिसमें उनका स्कैल्प ड्राई रहता था, फिर पार्शियल ड्राइनेस ऑफ हेयर था, डार्क सर्कल्स से उन पर हेयर फॉल भी काफी हद तक होता था, पर ये बोले कि मुझे ये लक्षणों के लिए मुझे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे खाली ये जो प्रीवियस लक्षण है उनके लिए ट्रीटमेंट चाहिए, ये जो हेयर फॉल रिलेटेड जो लक्षण है इसके लिए मैं डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ले रही हूँ। मैंने बोला ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे। तो मैंने उनके रिगार्डिंग मैंने उनके हेतु फाइंड आउट किए, और उन्होंने उनमें एक मुझे बहुत ज़रूरी हेतु मुझे पता चला, एक तो कि रात्रो जागरण, यानी वो रात को वो काफ़ी देर तक, मेरे हिसाब से 2:30-3 बजे तक वो जगी रहती थी, 2:30-3 बजे वो सोती थी। सेकंड इम्पॉर्टेंट, वो सिर में कभी भी ऑयल नहीं लगाती थी। तो मैंने उनको पूछा ऐसे क्यों करती है आप ऑयल क्यों नहीं लगाते? तो उन्होंने बोला, मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला अब ऑयल नहीं लगाना, तो मैं नहीं लगाती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। और फिर आप उन और फिर उनको जो इतर हेतु थे, तो उन्होंने उसमें उन्होंने बोला कि वो जो आहार लेते थे तो वो सब मेनली थोड़ा सा स्पाइसी खाना, खास करके उनको चाइनीज काफ़ी हद तक पसंद था, तो चाइनीज खाना उनके इसमें बार बार आता था, तो ओवरऑल पित्त का आहार उनके खाने में था। तो फिर मैंने उनको बोला कि देखो आपको अगर ये कम करना है तो पहले तो आपको अच्छे से नींद लेना ज़रूरी है, तो आपको जल्दी सोना, आप सुबह को जल्दी उठ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो वो हिसाब से उन्होंने फॉलो भी किया, और ये फॉलो करने के बाद मैंने उनको खाली 1 हफ्ते की कुछ दवाइयाँ दी थी, जिसमें अगेन जो एक पेटेंट मेरा कॉम्बिनेशन में मैं जो दिया है, मैंने अब तक आपने भी देखा रहेगा कि मैं शुद्धशेखर, कामरूधा, आम पाचक ऐसे कैटेगरी में मैंने, और एक गंधर्वा हरीतकी के कैटेगरी में एक दवाई मैंने उनको दी थी। 1 हफ्ते के बाद जब मैंने देखा तो उनका एसिडिटी का तकलीफ तो काफ़ी हद तक कम हुआ था, सभी जो लक्षण है, खाली उद्गार और गैसेस थोड़े कम हुए थे, पर उतने अच्छे नहीं, पेट तो अच्छे से साफ हो रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने उनको बाकी के मेडिसिन तो मैंने दे ही रहा था, और उसके बाद मैंने उनका VKG करके क्वाथ, यानी उसमें क्या है, एट द इनिशियल्स है वासा, कंटकारी और गुडुचि,
ये तीन द्रव्यों का क्वाथ मैंने उनको दिया था। तो ये रॉम भरड़ में उनको देता था और उनको सुबह शाम ये क्वाथ जो है वो करके पीने को बोलता था। तो नेचुरली ये मैं ओपनली बोलता हूँ ये कि मुझे कुछ अपने दिमाग से कुछ सोचा नहीं है इसके बारे में। जब मैं एमडी कर रहा था तो मेरी एक सहपाठी थी, तो उनका थीसिस का जो टॉपिक था वो आम्ल पित्त पे था, और आम्ल पित्त में उनका जो थीसिस का टॉपिक था ये वासा कंटकारी गुडुचि भरड़ का जो उनका ये उनका थीसिस का टॉपिक ये इस पे था। और जब भी वो पेशेंट्स करती थी और उनके जो के फाइनल उनका जो थीसिस का ये आया, तो उसमें देखा कि इसका काफी अच्छा रिजल्ट उनको मिला था। तो और इसका रेफरेंस जो है वो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ये चरक का रेफरेंस नहीं है, ये मैं आपको एक थोड़ी देर में बोलता हूँ, पर इसका जो रेफरेंस है तो वो भी मुझे मालूम था। तो मैंने बोला कि ठीक है हम ये करके देखेंगे। तो खाली मैंने एक हफ्ता ये उनको वो पेशेंट को दिया था, और एक हफ्ता बाद अगर हम देखेंगे तो उनको जो है उनके जो लक्षण है एसिडिटी के रिगार्डिंग जो है, तो वो तकलीफ तो उनको पहले से काफ़ी हद तक कम हुई थी, पर खास करके जो आगे जो उनको रिफ्लक्स होता था, या हम अगर ऊपर देखें थ्रोट थ्रोट पेन और जो रिफ्लक्स एसिडिटी ऊपर आता था तो वो भी उनका कम हुआ था। फिर उसके बाद अब अंदर से एक ये 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट लेने के बाद वो फिर पेशेंट अपने आप डिसकंटिन्यू हो गए, उनको रिलीफ अच्छे से मिला, तो वो वापिस आए नहीं। तो डायरेक्टली ये पेशेंट 2 साल के बाद मेरे पास आए, और 2 साल के बाद जब ये पेशेंट आए मेरे पास तो वो टाइम पे उनको सभी लक्षण फिर से बढ़े हुए थे। तो एसिडिटी था, फिर उनको चेस्ट पेन भी होता था, उद्गार, गैसेस, पेट अच्छे से साफ न होना, ये तो सब लक्षण थे। एंड उनका एक चीज था कि उनका जो स्कैल्प का जो ड्राइनेस था और जो हेयर फॉल था वो काफी हद तक जो है वो उनका कम हुआ था। तो पहले इसमें तो मैंने फिर 2 साल के बाद जब वो आया और मैंने जैसे आपको बताया कि ये सब लक्षण उनके इसमें एसिडिटी, रिफ्लक्स और ये सब दिख रहे थे, तो फिर मैंने उनको फिर से उनको मैंने प्रश्न पूछे कि क्या हो रहा है, फिर से वो जागरण कर रही थी तो मैंने फिर से उनको बोला कि नहीं आपको ये अवॉइड करना जरूरी है। तो फिर उन्होंने वो फॉलो करना शुरू किया, और अत्यंबुपान वो भी कर रही थी तो उनके बारे में भी मैंने उनको बोला, और फिर मैंने उनको बेसिक उनको थोड़ा सा रुक्षण और पाचन तरीके से उनको ट्रीटमेंट दी, और फिर मैंने उनको बोला कि देखो ये आपको बार बार हो रहा है तो आपको विरेचन कराना जरूरी है। तो वो बोले ठीक है हम विरेचन करा लेंगे। तो मैंने उनको पहले घृतपान में मैंने उनको पंचतिक्त घृत दिया था, और फिर उनको स्नेहन स्वेदन करने के बाद उनको विरेचन औषधि दी थी। विरेचन औषधि में मेरे हिसाब से मैंने इनको त्रिवृत्तावलेह दिया था, और त्रिवृत्तावलेह देके उनका विरेचन किया था। और उसके बाद विरेचन के बाद मेरे हिसाब से मैंने उनको कुछ दवाई दी नहीं थी, खाली उनको आहार पे ही मैंने कॉन्सेंट्रेट करने को बोला था, और उसके बाद आज तक उनको कोई तकलीफ नहीं हुई थी हुई है। तो इस हिसाब से मुझे एक चीज ध्यान में आई कि अगर आप हेतु बंद नहीं करोगे तो वो तकलीफ आप ट्रीटमेंट दोगे तो वो कम हो जाती है, पर वो फिर से कुछ दिनों के बाद वो फिर से उभर के आ सकती है। सेकेंडली जो हेयर फॉल रिलेटेड जो इश्यू था, तो वो मैंने एक उनको ट्रीटमेंट में मैंने उनको बोला था कि ठीक है आपको ऊपर से उसको बालों को ऑयल नहीं लगाया तो लगाना है तो मत लगाए, आप खाने में तो घी इस्तेमाल कीजिए, और वो रेगुलरली घी खाना उन्होंने शुरू किया था। डर्मेटोलॉजिस्ट का भी ट्रीटमेंट जो है वो उन्होंने कुछ दिन लेके बंद किया था क्योंकि उनको रिलीफ नहीं मिल रहा था, पर जैसे मैंने बोला कि ये सभी लक्षण जो है वो उनके बाद में कम हुए। मेरे हिसाब से मैंने इसका इन्फरेंस ऐसा निकाला कि नेचुरली वहाँ के अगर दोष कम हुए हैं और स्निग्धता बढ़ रही है तो नेचुरली स्कैल्प जो है तो वो उनका धीरे धीरे जो ड्राइनेस है वो कम हुआ रहेगा जो घृत वो लेती थी उसके वजह से। और आखिर में जो हमने उनका विरेचन करवाया, तो मैंने ऐसे सोचा कि हमने उनको शोधन जो है तो ये एक बार उनका शरीर शुद्धि हो जाए तो फिर से दोष जो है वो नहीं बढ़ेंगे अगर वो आहार अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने विरेचन कराया, उसके बाद जो उनको तकलीफ होनी थी होती थी वो उसके बाद कम हो गई उनकी। ठीक है, तो ऐसे तरीके से मैंने ये केसेस जो है वो ट्रीट, अभी बाकी भी काफ़ी सारे केसेस है पर मुझे लगता है कि इतने केसेस पे हम फोकस करेंगे तो ठीक रहेगा। तो इसके बाद जब ये लेक्चर के लिए जब मैं खास करके कुछ
कुछ मैंने जब हमारी बात हुई कि हमें ये सेशन रुग्णानुभव के बारे में बोलना है, तो मैंने काफी सारे किस्म के पेशेंट जो मेरे दिमाग में अचानक से क्लिक हुआ, मैंने स्किन के ये पेशेंट ट्रीट करे, मैंने पैरालिसिस के ये पेशेंट ट्रीट किए, मैंने जॉइंट पेन के रिलेटेड ये पेशेंट ट्रीट किए, माइग्रेन के ये पेशेंट ट्रीट किए। और जब मैं पीपीटी बनाने को बैठा तो मैंने बनाते बनाते मुझे ऐसा या समझ में आया कि हम सब चीजों के बारे में एक साथ नहीं बोल पाएंगे, सभी पेशेंट के बारे में हम एक साथ नहीं बोल पाएंगे। तो मैंने फिर एक डिसाइड किया कि हम एक ही कैटेगरी के पेशेंट लेंगे और वही कैटेगरी पे हम बोलेंगे। तो उसके लिए मैंने अग्नि दृष्टि के रिलेटेड जो जो पेशेंट थे वो मैंने एक साथ लेके अभी आपको उसके बारे में बताया। तो फिर कुछ मेरे हिसाब से 4 या 5 महीने पहले मेरे धर्माधिकारी सर जी से बात हुई थी। ऐसे ही बोलते बोलते सर ने मुझे पूछा कि आप रेगुलर ग्रंथ पढ़ रहे हैं? तो मैंने एक 10 मिनट 10 सेकंड का मैंने मौन लिया और फिर मैंने सर को बताया कि नहीं सर, मेरा अभी ग्रंथ वाचन काफ़ी हद तक कम हुआ है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है। सर बोले कि आप ये एक्सक्यूजेस मत दो, ये एक्सक्यूजेस देना बहुत गलत चीज़ है। जिन ग्रंथों के आधार पे आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर आप वही ग्रंथों का आप आधार अगर छोड़ देंगे तो आगे जाके आपको उसका नुकसान होगा। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ काफ़ी हद तक ऐसी रह गई। तो मैंने फिर सर को पूछा कि सर मुझे अभी अगर फिर से मुझे पढ़ना है तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? तो मुझे लगा कि सर बोलेंगे सूत्र संघ से शुरू करो, पर सर ने मुझे बोला कि आप एक काम करो, आप गृहिणी अध्याय से शुरू करो। तो मैंने बोला ठीक है, गृहिणी अध्याय से शुरू करेंगे। चरक चिकित्सा स्थान 15वां अध्याय, मैंने मुझे समझ नहीं आया कि सर ने से बीच में से क्यों शुरू करने को बोला रहेगा, पर फिर मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि अग्नि की चिकित्सा अगर हम करते हैं, हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि अग्नि की चिकित्सा करेंगे तो सभी व्याधियों में अग्नि चिकित्सा सबसे इम्पोर्टेंट है, तो शायद सर ने वो तरीके से मुझे बोला रहेगा। तो फिर मैंने वो अध्याय पढ़ना शुरू किया और जब ही पहले मैंने जब मैं डिग्री मेरी पढ़ रहा था, तो वो टाइम पे मैंने जब गृहिणी गृहिणी का जो अध्याय हम पढ़ते हैं, तो वो मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो गृहिणी बोले तो क्या मुहूर्तबद्ध मुहूर्तद्रव्य मल प्रवृत्ति इक्वल टू गृहिणी, ऐसे एक कंसेप्ट मेरे दिमाग में बैठ गया था। और गृहिणी में क्या करना है, तकरार इष्ट देना है, बस इतना ही मेरे दिमाग में वो टाइम पे फिट हुआ था। पर जब सर ने बोला कि अब यह अध्याय पढ़ो, तो मैंने नाम पढ़ा, तो नाम अगर आप अच्छे से देखोगे तो गृहिणी दोष चिकित्सा ऐसे उसमें बोला है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अरे अगर गृहिणी व्याधि के बारे में खाली बोलना था तो खाली गृहिणी चिकित्सा बोलते, या गृहिणी अवयव पे अगर हमें काम करना है तो गृहिणी चिकित्सा बोलते, गृहिणी दोष चिकित्सा क्यों बोला है, ऐसे मैंने सोचा। तो फिर उसके बाद जब हम चरक चिकित्सा स्थान 15वां अध्याय पहला और दूसरे श्लोक की जो आयुर्वेद दीपिका जो टीका है, तो उसके उसमें जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि गृहणिम आश्रितो अग्नि दोषो गृहणी दोषः, यानी ये गृहणी दोष यानी क्या है, तो गृहणी के आश्रय में जो अग्नि है तो इसमें जो दोष जो 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 दोष उत्पन्न होते हैं, तो ये जो अग्नि जो है ये अग्नि के बारे में इसमें सब बोला है। तो फिर मैंने ऐसे सोचा कि अरे यही तो सबसे जरूरी है कि अगर हम खाली गृहिणी व्याधि के बारे में हम न सोच के अगर अग्नि में जो जो कुछ उल्टा पुल्टा होता है अगर हम उस पे ध्यान देंगे तो ज्यादा हम पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। फिर आगे उसी इसमें आगे दिया है गृहिणी दोष शब्दे न, यानी गृहिणी दोष शब्द यानी क्या, तो गृहिणी दोष शब्दे न गृहण्यात आश्रितो, यानी गृहिणी के आश्रय से अग्नि दोषो अपि गृह्यते, गृहिणी के आश्रय में जो अग्नि है तो या अग्नि में जो दोष उत्पन्न होते हैं उस पे हमें ध्यान देना है, उसका ग्रहण करना है, ऐसे मैंने इस पे से ये जो मैंने पढ़ा उस पे से मुझे पता चला। तो मैंने बोला कि नहीं, तो अगर हम गृहिणी के बारे में सोच रहे हैं तो खाली गृहिणी अवयव या गृहिणी व्याधि ये तरीके से न सोचते हुए पूरा जो अग्नि वैषम्य हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग हमें सोचना जरूरी है। तो फिर जो हम पाचन कर्म जो होता है तो उसके रिलेटेड जब हम आगे पढ़ते हैं चरक चिकित्सा
15वां अध्याय छठा और सातवें श्लोक में हम जो पढ़ते हैं, तो उसमें जो प्राणवायु है तो उसका अन्न ग्रहण में काफी इम्पोर्टेंट रोल है। क्लेदक कफ जो है वो जो अन्न है उसको मृदु करने में उसका काफी इम्पोर्टेंट रोल है। और जो समान वायु है वो अग्नि को संदूक्षण यानी अग्नि को बढ़ा के अग्नि सॉरी अग्नि को बढ़ा के अन्न पचन करने में उसका काफी इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये जब हम पढ़ते हैं तो नेचुरली हमें इसमें ये दो, और हाँ और एक इम्पोर्टेंट चीज रहती है कि पाचक पित्त जो रहता है तो ये पित्त दोष में सबसे इम्पोर्टेंट ये केस में है। तो जब हमने हमने अभी तक जो जो केसेस देखे तो उसमें अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो दोष है, जैसे मैंने बोला कि मैंने पेशेंट को घृत दिया और घृत देने से उसका ये जो तकलीफ है वो कम हुआ, तो जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे शायद ऐसा लगा कि शायद मैंने जो घृत दिया, शायद मैंने जो घृत दिया उससे शायद उसके जो आहार है उसमें स्निग्ध गुण बढ़ा रहेगा, उससे उसका अन्न अच्छे से मृदु होके उसमें पचन होने में उसको मदद हुई रहेगी। या दूसरा, शायद मैंने जो उसको वातनाशक जो दवाई दी या वातनाशक जो मैंने उसको ट्रीटमेंट दी या वात कम करने के लिए जो मैंने उसको ट्रीटमेंट दी, या कम करने से अच्छा मैं बोलूंगा नॉर्मलाइज करने के लिए मैंने जो उसको ट्रीटमेंट दी, तो शायद उससे उसका जो अग्नि है वो संदूक्षण हुआ रहेगा और उससे उसको अन्न पचन में वो मदद हुई रहेगी। क्योंकि हम जब देखते हैं कि अग्नि संदूक्षण यानी क्या, हम जब एक चूल्हा चूल्हा जो रहता है तो चूल्हे का जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या रहता है कि अगर चूल्हे में आपको अग्नि उसमें अगर आपको प्रदीप्त करना है तो आपको एक विशिष्ट तरीके से उसमें हवा फूकनी जरूरी है, हल्की इससे हवा आपको उसमें फूकनी है। बहुत जोर से अगर आप हवा फूकोगे तो जो कुछ अग्नि थोड़ा बहुत है वो भी बुझ जाएगा, पर अगर आप अग्नि फूकोगे भी नहीं तो भी वो बुझ जाएगा। तो आपको हल्के तरीके से उसमें हवा फूकनी है जिससे वो अग्नि प्रदीप्त होना चाहिए। तो मैंने ऐसा इन्फ्रेंस लगा कि शायद मैंने जो कुछ ट्रीटमेंट दी है उसका ग्रंथाधार ये हो सकता है। दूसरा, अगर हम आगे देखेंगे तो जीवा की चंचलता से आहार विधियों को हम त्याग करते हैं कि हमें ऐसा जो रेफरेंस है ये चरक चिकित्सा 15वां अध्याय 41 श्लोक में आया है। तो जो मैंने बोला था कि वो जो एक यंग लड़की के बारे में मैंने बोला था कि वो बार बार बाहर का खाना खाती थी, स्पेशली शाम को वो जो है वो बाहर का कैंटीन का खाना खाती थी, तो मैंने ये इन्फ्रेंस लगा कि शायद मैंने ये जो कहीं पे पढ़ रहा हूँ मैं, तो ये जो पेशेंट मैंने जो ट्रीट किया था ये पढ़ने से काफी पहले मैंने ट्रीट किया था, मैंने तब ये कुछ पढ़ा भी नहीं था। पर फिर मैंने ऐसा इन्फ्रेंस लगा कि शायद मैंने जो उनको बोला कि आप जो खाने पे ध्यान देना आपको जरूरी है, तो आपको ये जो पसंद आती है कैंटीन की चीजें वो आपको खाने में त्याग करना जरूरी है जिससे आपको ये तकलीफ जो है आपके डाइजेशन की वो आपकी कम हो जाएगी। तो ये जो जिह्वा की चंचलता है यानी कि जो जिह्वा हमारे उनके उन पे जो उनका कंट्रोल नहीं था तो उसके वजह से उनको तकलीफ हो रही थी, और जैसे उन्होंने वो कंट्रोल में लाया, जैसे उन्होंने उनके आहार पे ध्यान दिया, वैसे उनको ऑटोमेटिकली उनका जो तकलीफें है वो कम हो गई। फिर जब हम अग्नि दुष्टि के जो हम हेतु हम देखते हैं तो उसमें हम अगर देखेंगे तो अजीर्ण भोजन है, अति भोजन है। तो ये जो मैंने वो डायबिटीज के जो पेशेंट बोले तो उन्होंने हमने ये देखा कि वो अजीर्ण भोजन करते थे, अति भोजन करते थे। फिर जो हमने देखा कि कुछ पेशेंट जो जैसे मैंने मेदू वड़ा का एग्जाम्पल दिया था जिसमें वो गुरु आहार लेते थे, फिर एक पेशेंट जो वो खाने में बिल्कुल घी नहीं लेते थे तो उसमें रुक्षता बढ़ती थी। तो कहीं ना कहीं मैंने ये देखा कि हम मैंने जे ये जो चीजें पढ़ी है तो या मैं ये जो चीजें पढ़ रहा हूँ तो मैंने जाने अनजाने में मैंने कहीं ना कहीं यही लाइंस पे ग्रंथ के ये एग्जैक्ट डिटेल में बिना पढ़े कहीं ना कहीं मैंने यही लाइन पे पेशेंट को मैंने ट्रीटमेंट दी है। ठीक है, ये आगे भी उसी के रिगार्डिंग कुछ चीजें है कि जो मैंने एक बोला था कि एक पेशेंट को राइट साइड में पेन होता था, फिर एक वो दूध के रिगार्डिंग एक मैंने पेशेंट बोला जिसको शरीर गौरव और शरीर काफी भारी और हल्के से उसमें दर्द होता था, तो उसमें अंगसाद करके एक लक्षण है जो हमें जो इस यहाँ पे लक्षणों में हमें दिखाई देता है अग्नि के रिलेटेड जो
अग्नि दृष्टि के बारे में जो लक्षण बताया है, तो वहां पे हमें ये लक्षण दिखाई पड़ता है। तो ये जो जो चीजें हैं, तो इसमें मैंने ऐसे मेरे ध्यान में आया कि हाँ, और एक इसमें जरूरी चीज है कि आहार पचन जो होता है, तो वो अगर अच्छे से नहीं होगा, आहार पचन जो है वो अगर अच्छे से नहीं होगा तो उसका जो है वो उसको अम्लीभूत होता है। तो मैंने पहले बार जब डिग्री में मैंने चरक संहिता पढ़ी थी, तो मुझे वो टाइम पे ऐसा बताया गया था कि चरक संहिता में आम्ल पित्त का रेफरेंस ही नहीं है। आम्ल पित्त का रेफरेंस मेरे हिसाब से, मुझे जो वो टाइम बताया था, वो मेरे हिसाब से योग रत्नाकर में या माधव निदान में उसका रेफरेंस है, ऐसे मुझे बोला था। तो मुझे बार बार ये प्रश्न आता था कि हम श्लोक में तो हम बोलते हैं कि चरकस्तु चिकित्सिते निदाने माधवा श्रेष्ठा, ऐसे सब हम बोलते हैं, पर जो चिकित्सा में श्रेष्ठ है उसने आम्ल पित्त के बारे में नहीं बोला। और हम पेशेंट्स जो हम ओपीडी में देखते हैं, उसमें तो ऑलमोस्ट हर रोज आम्ल पित्त का पेशेंट आता है। तो ऐसे तो नहीं हुआ रे, कुछ तो हम मिस कर रहे, ऐसे मुझे लगता था। और जब भी मैंने सर के गाइडेंस के अनुसार जब भी मैंने यह अध्याय पढ़ा, तो फिर मुझे धीरे धीरे ये पता चलना शुरू हो गया कि ये सभी चीजें हमारे ग्रंथ में बताई हुई है, खाली हम हमारे पढ़ने का जो तरीका है तो वो बराबर से न होने की वजह से हम ये मिस कर रहे हैं। तो हम आगे जब यही अध्याय में हम आगे जब देखते हैं, तो साम ग्रहणी की चिकित्सा में 75वें श्लोक में बोला है कि पक्वाशयस्थ दोषों को अगर हमको दूर करना है तो हमें दीपन औषधि देनी है, हमें शोधन करना है और विरेचक औषधि देनी है। और जब मैंने फिर से मैंने सोचा, तो मैं उनको क्या दे रहा था, मैं उनको आमपाचक दे रहा था, मैं उनको कुछ तो गंधर्व हरीतकी दे रहा था, मैं उनको त्रिफला दे रहा था। तो फिर मैं बोला कि अरे मैं तो यही दे रहा था, मैंने तो कुछ अलग किया ही नहीं है। तो फिर मैं बोला कि अरे ये तो, फिर अगर हम आगे जाएंगे तो आमाशयगत शुद्धि के पश्चात हमको उनको दीपनीय घृत देने को है, दिए देना है। तो मैंने पंचतिक्त घृत में वो पेशेंट को मैंने दिया था। फिर मैंने यहाँ पे जो चित्रकादी गुटिका है, तो मैंने एग्जैक्टली चित्रकादी गुटिका नहीं दी थी, पर जो मैं दे रहा था तो उसमें काफी हद तक सेम द्रव्य थी। चित्रक, पिपली मूल, क्षार थे, लवण थे, त्रिकटु था, हींग था, फिर नागरमो था, सूंठ, हरितकी, तक्रारिष्ट। मैंने सोचा कि अरे मैं दे तो जो रहा हूँ, तो ये तो मैं बिना कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़े हुए, पर जो मैं दे रहा हूँ वो पूरे के पूरा मैं अंश अंश कल्पना के जोरों पे मैं दे रहा हूँ। पर जब ग्रंथ निकाल के देखे तो अरे ग्रंथों में भी यही रेफरेंस है। तो फिर मुझे एक मैंने एक और एक केस जो मैंने इसके विरेचन के बारे में मैंने एक केस बताई थी, तो यहाँ पे भी पित्त ग्रहण में विरेचन करने को बोला था। तो जब मैंने ये देखा कि बिना ग्रंथों का डिटेल में जाने पर खाली ग्रंथों की कंसेप्ट अगर हम अच्छे से समझ पाए, तो हम काफी हद तक ट्रीटमेंट अच्छे से दे सकते हैं, ऐसे मैंने उसमें से एक चीज मेरे ध्यान में आई। तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि हमें ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं? तो डेफिनेटली नहीं, हमें ग्रंथ पढ़ने ही हैं, ग्रंथों का रेफरेंसेस हमको मालूम होना ही चाहिए। पर मेरे हिसाब से, छोटा मुंह बड़ी बात मैं बोलूंगा, शायद मेरा बोलना अगर गलत रहेगा तो मुझे कृपया माफ कीजिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ग्रंथ में लिखे हुए जो एग्जैक्ट द्रव्य है, जो उस पे हम न फोकस करते हुए उसमें कंसेप्ट क्या सिखाई है, तो अगर हम कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, जैसे मैंने आज अंश अंश कल्पना के बारे में मैंने कुछ चीजें बोली, तो अगर हम ऐसी जो बाकी की भी कुछ कंसेप्ट है, तो अगर हम ये कंसेप्ट अगर हम पढ़ के अच्छे तरीके से हम समझ पाए और वो अगर इम्प्लीमेंट कर पाए, तो मेरे हिसाब से जो इसका तो हमें ट्रीटमेंट में जो उक्त व्याधि है उनमें तो हमें मदद होगा ही, पर जो अनुक्त व्याधि है, तो अनुक्त व्याधि में भी हमें उनका काफी अच्छी तरीके से उनकी मदद होगी, ऐसे मुझे लगता है। तो ये सब बोल के मैं मेरे जो ये सेशन है उसको मैं विराम देता हूँ। मैं
अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान के जो सभी वैद्यगण है, तो उनको मैं खास तरीके से धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे मुझ जैसे एक सामान्य चिकित्सक को, जिसको कोई बहुत अच्छा वक्तृत्व शैली जिसका नहीं है, या जो बहुत कुछ लोगों में ऐसा कोई मशहूर आदमी कोई नहीं है, सर का एक सामान्य विद्यार्थी, सबसे सबसे ग्रास रूट लेवल का जो विद्यार्थी है, तो ऐसे विद्यार्थी को भी लोगों से बात करने की जो संधि दी, जो चांस दिया, इसके लिए मैं सभी जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। सेकेंडली, जो इतने देर से जो आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे से काफ़ी उम्र में भी, तजुर्बे में भी काफ़ी सीनियर लोग भी रहेंगे, वो भी मेरी इतनी सिंपल सिंपल सी चीज़ें जो है वो सुन रहे हैं पेशेंटली, तो ये सुनने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और सबसे ज़रूरी, आज ये बोलने के लिए जिस परमेश्वर ने, जो जिसने मुझे बोलने के लिए जो एक शक्ति दी है, तो ये शक्ति का जो एक स्रोत है, जो ये शक्ति जिस जहाँ से आती है, तो ये जो धर्माधिकारी सर है, तो ये सर ने जो ज्ञान हमें दिया है, जो चरक संहिता हमारे सामने एट एक्चुअल खोल के रखी है, तो एक तिजोरी जैसे खोल के रखते हैं सामने, और इसमें से जिसको जो उठाना है वो उठाओ, आपके आपके ताकत के अनुसार, यानी बौद्धिक क्षमता के अनुसार जिसको जो उठाना है वो उठाओ, ऐसे जो सर ने किया है, तो ऐसे वैद्य धर्माधिकारी सर जो है उनको मैं नमन करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और मेरे वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद ऐश्वर्य सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आपने रुग्णानुभव का कथन किया। इस रुग्णानुभव के ऊपर मैं आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर जी को विनती करता हूँ कि वे अपना वक्त मंतव्य प्रकट करें। गए गए मैडम, गए मैडम। मैं आदरणीय मैम से विनती करता हूँ कि वे अपना मनोगत इस रुग्णानुभव के ऊपर प्रकट करें। नमस्कार, अभी जो हमारे सामने रुग्णानुभव प्रस्तुत हुए, वैद्य ऐश्वर्य सुपेकर सर ने जो रुग्णानुभव हमारे साथ में सामने प्रस्तुत किए, उसके लिए अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान की ओर से मैं उनका धन्यवाद अदा करती हूँ। दूसरी बात यह है कि जब भी हमें रुग्णानुभव दे सामने रखना है, तो उस समय हमें कुछ बातें जरूर याद रखनी है। तो वैसे तो संदर्भ के साथ सभी बातें स्पष्ट की है, लेकिन केवल दो बातें मैं सभी के सामने रखना चाहती हूँ। एक बात यह है कि जब हम अंशांश कल्पना का विचार करते हैं, तब सभी की अंशांश कल्पना देखनी है। हमारा जो आयुर्वेद शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, जो उसके रेफरेंस बुक के साथ हमारे सामने है, जो त्रिसूत्रीय है, हेतु, लिंग और औषध, इन सभी की अंशांश कल्पना का एक मैथमेटिक्स जैसा गणित सामने रख के हमें उसका चयन करना है। जैसे कि हेतु के भी गुण है, हेतु द्रव्य, दो रुग्णों में द्रव्यतः अलग होगा लेकिन गुणतः उसमें समानता होगी, वो हमें समझना है। और वो गुणतः जो समानत्व है, उसके कारण हो सकता है जो लक्षण अभिव्यक्ति होती है वो भी कभी कभी अलग हो सकती है। अगर जैसे कि पित्त प्रकोपक हेतु के कारण किस रुग्ण में मुखपाक होगा, किस रुग्ण में गुददाह होगा, किस रुग्ण में उरोदाह होगा, तो ये ऐसा क्यों हुआ, ये हमें समझना बहुत जरूरी है।
इसको भी हम अंश अंश विज्ञान समझेंगे। और एक बात है कि इसी के आधार पर जो औषध का चयन करना है उसकी भी अंश अंश कल्पना अंश अंश विचार हमें समझना आवश्यक है। जैसे कि मैं हमेशा औषध का प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय कुछ एक ट्रायंगल सामने रखती हूं, जैसे कि औषध चिकित्सा देते समय चिकित्सा त्रिविध प्रकार की होती है, आहार चिकित्सा, विहार चिकित्सा, औषध चिकित्सा। दूसरे औषध चिकित्सा में और एक प्रकार वर्गीकरण का है, अपतर्पण चिकित्सा, अपतर्पणीय द्रव्य और संतर्पणीय द्रव्य। तीसरी और एक उससे और भी अंश अंश समझ में आता है कि विंशति गुण के अनुसार औषधियों का चयन करना है। और एक विकल्प है, भेद है, वो लंघन, लंघन पाचन और दोषावसेचन है। जहां पर दोषावसेचन की जरूरत है वहां पर लंघन से बात नहीं बनती, वहां पर बलवान ही उपक्रम चाहिए। तो ये सभी अंश अंश बात हम रुग्ण का रुग्ण इतिहास लेने के बाद हम इसका एक गणित अगर हम सामने रखेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन लिखने में बहुत आसानी होती है। और ये आदत अगर हम सभी वैद्य डाल देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम उपशय देते हैं। अभी ये जो मैंने आपके सामने बात रखी है तो ये थोड़ा सा चिकित्सा करते समय जो चिंतन के साथ या अभ्यास के साथ जो मैं करती हूँ वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। लेकिन इसको बहुत सारे एंगल है, हर एक वैद्य के अपना अपना अनुभव है और अपने अपने अनुभव के साथ वो करता है। अगर ऐसे हम करते गए तो शायद हमने ये शायद किया और उसके साथ ये रिजल्ट मिले, ऐसे हम नहीं बताएंगे। जैसे कि मुझे अभी याद आ रहा है कि जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते थे तब रिसर्च सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो रिसर्च के एंड में जब हम स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन के साथ जब हम कंक्लूजन निकालते थे तो कभी कभी ऐसा होता है कि पी की वैल्यू ये आती है, ये सिग्निफिकेंट है, ये वैल्यू आती है, ये हाईली सिग्निफिकेंट है। और कभी कभी उसके रिजल्ट पी की वैल्यू ये आती है तो ये बाय चांस आए हुए रिजल्ट है। तो हमें कभी भी बाय चांस रिजल्ट्स में नहीं जाना है, क्योंकि हमारी 1-to-1 एक रुग्ण के लिए चिकित्सा करने की जो हमारी दिन हर दिन की हमारी जो परीक्षा है उसमें हमें बाय चांस नहीं आने चाहिए, ये मुझे लगता है। और इसलिए हमें हर एक रुग्ण के हेतु लिंग और औषध का अंश अंश कल्पना के साथ विचार अगर हम करते गए तो हम बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे और चिकित्सा में यश प्राप्त करने में कालावधि भी कम लगेगा, ऐसा मेरा एक मानना है। दूसरी एक ही बात मैं यहाँ पर बताऊंगी कि दुग्धपान का जब इतिहास रुग्ण में आता है तो दुग्ध की प्रशस्ति बहुत ज्यादा की है। सुश्रुत संहिता में दिया है कि ये आजन्म साथ में है, ये नित्य सेवनीय है और ये रसायन है। लेकिन ये शोथ में भी इसका प्रयोग होता है, ये रक्त पित्त में भी दुग्ध द्रव्य का चिकित्सा में प्रयोग होता है, ऐसे बहुत सारी यादी वहां पर दी है। लेकिन उसकी जो लास्ट लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आमावस्था में अगर हमने दुग्धपान रुग्ण हमारा करता है तो वो विष समान आम विष की निर्मिति होती है और फिर ये सभी शरीर में आम दोष के कारण, स्रोतसावरोध के कारण अग्नि को उपहत करता है और उसी के कारण बहुत सारे लक्षणों की भी उत्पत्ति होती है, व्याधियों की भी उत्पत्ति होती है। तो इसलिए दुग्ध बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है और रसायन भी है, लेकिन वो दुग्ध योग्य काल में योग्य अवस्था में दिया जाए
दिया जाएगा तो उससे लाभ होगा। तो जब दुग्धपान का रुग्ण हमारे पास सामने आता है तो हमें उनमें से अगर कुछ अवस्था नहीं है ना, ये भी हमें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक रुग्ण में दुग्धपान का इतिहास था और उसकी चिकित्सा और उपशय अनुपशय के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है। तो मैंने सिर्फ यही एक रेफरेंस यहाँ पर एक सभी के स्मरण के लिए, जो जिसका स्मरण हमें हमारे जो वैद्य है अनंत धर्माधिकारी सर जो बहुत अच्छी तरह से करते थे, उसके लिए मैंने ये यहाँ पर आपके सामने फिर उद्धृत करने का प्रयास किया है। तो यही बात बोल के मैं मेरा जो आज का कंक्लूडिंग पार्ट है उसमें मैं विराम लेती हूँ। और अगर सुपेकर सर के लिए किसी के अगर कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी हम देखेंगे, और अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो मैं माइक ओमकार पाठक की तरफ देती हूँ। धन्यवाद। ओमकार लेफ्ट है। हाँ, मुझे भी वही पूछना था। अभी एक मैसेज आया है कि मैंने जो लिंक अमृत महोत्सव में महोत्सव के जो लेक्चर्स है उसके लिए यहाँ पे एका पेशन मध्ये विल नाउ बी रिकॉर्डेड। एका पेशन में सरांनी ते पोटावरती हिंगूचा लेप, हिंगवाष्टक चूर्णाचा लेप तेलामधून असं काहीतरी सांगितलं, मग ते काय म्हणजे पहिल्यांदा ऐकलं की तेलामधून हिंगवाष्टकचा लेप म्हणजे पाण्यामधून आपण एरवी करतो ना, तर मग मैंने जो जो कुछ मैंने पढ़ा है तो वो हिसाब से एक हिंगवादी तेल का एक रेफरेंस मेरे मुझे वो टाइम पे मेरे ध्यान में आया था, और वो मेरे पास वो टाइम पे अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उसका एक रेफरेंस पढ़ा था कि जहाँ पे आप नाभि और नाभि के बाजू के एरिया में अगर आप ये ऑयल लगाओगे तो आपको जो है वो उदर गौरव में और जो गैसेस होते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ आएगा, ऐसे मुझे मैंने वो रेफरेंस मुझे याद आया था। तो मैंने उस पर ऐसे एक सोचा कि जैसे मैंने वो पेशेंट के बारे में बोला था, तो हेतु जो थे वो काफ़ी हद तक वातवर्धक और जहाँ पे वो खास करके छोला राजमा ऐसी चीज़ें खाने वाला पेशेंट था, तो वहाँ पे मैंने ये किया कि एक तो ये वात दोष के प्रकोप की वजह से हो रहा है, और तो उसके वजह से मैंने वात पे सबसे अच्छा काम करने वाला जो द्रव्य है वो जो है वो तिल का तेल है, तो तिल तेल में सिद्ध किया हुआ जो वो वातनाशक जो वो तेल था तो वो मैंने इस्तेमाल किया था, वो एंगल से मैंने उसमें विचार किया था। और सेकेंडली उसमें जो मैंने हिंगाष्टक चूर्ण जो डाला था तो वह हिंगवादी तेल का रेफरेंस तो था ही, और दूसरा मैंने उसमें सोचा था कि ये थोड़ा उष्ण रहेगा तो ये पाचन में भी थोड़ा मदद करेगा, और दूसरा जो उसका जो गैस बन रहा है तो उसमें भी वो काफ़ी हद तक उसको एक्सटर्नली वो मदद करेगा। और प्रैक्टिकली जब मैंने ये किया तो मुझे ऐसा देखने में आया कि उसका जो सिग्निफिकेंटली, ये केस में मैं एक जरूर बोलना चाहूँगा कि ये केस में मैंने पेशेंट का एब्डोमिनल गर्थ जो रहता है तो वो मैंने चेक किया था, तो लगभग एक हफ्ते में उसका एब्डोमिनल गर्थ जो था तो वो भी सिग्निफिकेंटली कुछ मेरे हिसाब से 2 या 3 सेंटीमीटर से उसका एब्डोमिनल गर्थ जो था तो वो भी कम आया था, वो मैंने देखा था, और उसको जो सिम्टोमेटिक रिलीफ था तो वो भी मिला था। ओके, थैंक यू सर। छान झालं सर, छान। सर ते वासागुडूची कंटकारीचा रेफरन्स सांगा ना सर, माहित असेल। मला आता तो रेफरन्स पटकन क्लिक होत नाहीये, पण मी डेफिनेटली तो रेफरन्स शेअर करायचा प्रयत्न करेन। मला आता तो रेफरन्स पटकन जस्ट क्लिक होत नाहीये,
मी तुम्हाला सांगतो आपण नक्की सांगतो या बाबतीत. हां थँक्यू सर, छान झालं लेक्चर. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम.